हे हेलो गाइस, वेलकम बैक। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ गैस रिलेशन इन एम्फीबियंस। ठीक है, तो एम्फीबिया में गैस रिलेशन कैसे होगा आज वो हम पढ़ने जा रहे हैं। और इससे पहले मैं आपके जो लेक्चर्स ले चुका हूँ वो सब आपको प्लेलिस्ट में मिलेंगे, सीक्वेंस से देखो। तो आज का टॉपिक थोड़ा सा टेढ़ा है, मतलब थोड़ा सा कह सकते हो, बहुत लोगों को समझ में नहीं आता, बट मैंने पूरी कोशिश करी एकदम आपको सिंप्लीफाई तरीके से बताऊँ। पहले मैं आपको पूरा पेपर पे पूरा अच्छे से समझाऊंगा, बाद में आपको डिजिटल डायग्राम्स भी, मैं एंड में आपको डायग्राम्स भी दिखाई हुई हैं। ठीक है, तो आप अच्छे से आराम से सुकून से बैठ के इस लेक्चर को देखो, और फिर भी अगर कोई डाउट रहता तो मुझे बताओ। ठीक है, तो चलो अब शुरू करते हैं। चलो तो वही हेडिंग देंगे, गैस रिलेशन। ठीक है, सो गैस रिलेशन में हम क्या क्या करने जा रहे हैं बेसिकली। तो मैंने आपको स्पेशल वीडियो एम्ब्रायोजेनेसिस जब पढ़ाया था तो वहाँ पे मैंने आपको जो ह्यूमन का था उसका तो मैंने आपको डिटेल में थोड़ा सा बता दिया था, बट वहाँ पे मैंने आपको बोला था कि एम्फीबिया और चिक वाला पार्ट जो है वो मैं बाद में करूँगा। ठीक है, तो आज मैं आपका गैस रिलेशन के बारे में थोड़ा सा बताऊँगा। ठीक है, कि गैस रिलेशन थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा, दो तीन पॉइंट लिखवा दूंगा उसमें, और फिर उसके बाद मैं डिटेल में आपको आज एम्फीबियन का गैस रिलेशन बताऊँगा कि एम्फीबियंस में गैस रिलेशन होता कैसे है। ठीक है, और कैसे उसमें मोर्फोजेनिक मूवमेंट होता है ना। मोर्फोजेन और मोर्फोजेनेसिस हमारा टॉपिक है, वो इसके बाद में लूँगा। तो उसमें क्या क्या होता है वो चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ कि गैस्ट्रुलेशन, व्हाट इज़ गैस्ट्रुलेशन, तो आप बोलोगे कि सर आपने पिछली क्लास में बताया था कि गैस्ट्रुला जो होता है वो ब्लास्टुला जब गैस्ट्रुला में कन्वर्ट होता था, दैट प्रोसेस इज नोन एज गैस्ट्रुलेशन। ठीक है, तो ये मैंने बताया था आपको। ओके, लेकिन हो क्या रहा था ब्लास्टुला जो था आपका, ये मान लो ब्लास्टुला था, तो ये आपका क्या था, ये सिंगल लेयर था। ब्लास्टुला कैसा था, सिंगल लेयर। ठीक है, इस सिंगल लेयर से हमने देखा था गैस्ट्रुलेशन में आपका तीन लेयर बन गई थी। अगर ट्रिप्लोब्लास्टिक है दो लेयर बनेंगे, अगर डिप्लोब्लास्टिक है तो यहाँ पर थ्री लेयर बन गया। तो सिंपल सी लाइन में अगर बोले कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सिंगल लेयर या सिंगल लेयर ऑफ सेल्स इंटू थ्री लेयर्स, तो इसको हम बोलते हैं गैस्ट्रुलेशन। सिंपल सी बात है। अब ऐसा क्या होता है कि ये एक सेल जो है तीन सेल में डिवाइड हो जाती है, मतलब एक तो ये हो गया कि तीन सेल में डिवाइड हो गई, उसके बाद फिर इसमें गट वगैरह बनता है, फिर आर्केंट्रॉन वगैरह बनता है। ये एम्फीबियंस में होता है, ह्यूमन में आर्केंट्रॉन वगैरह नहीं बनता है। ठीक है, वो हमने वहाँ देख लिया था। उसके बाद गैस्ट्रुलेशन में क्या होता है, यहाँ ये जो ब्लास्टुला था ना आपका, ये ब्लास्टुला जो मैंने आपको पिछली बार बताया था, इसके पास ना कुछ स्पेसिफिक रूडिमेंट्री सेल्स होती हैं। ठीक है, वो स्पेसिफिक रूडिमेंट्री सेल जो होती है ना वो हेल्प करती हैं फर्दर ऑर्गन डेवलपमेंट के। मान लो ये वाली सेल है लीवर में हेल्प करेगी, ये वाली सेल है ये हार्ट के फॉर्मेशन में हेल्प करेगी, तो ऐसे बहुत सारी सेल इसके पास पड़ी होती है। तो जब गैस्ट्रुलेशन हो रहा होता है तो यही सेल जो होती हैं वो अरेंज होने लग जाती हैं स्पेसिफिक पोजिशंस पे। ठीक है, तो धीरे धीरे वो गट बनाएंगी, फिर उसके बाद फर्दर जितने भी ऑर्गन फॉर्मेशन है आपका तीनों लेयर बन जाएंगी, एक्टो मीजो एंडो, फिर इनसे जो है लेयर का फॉर्मेशन होगा। सो दैट इज गैस्ट्रुलेशन, समझ गए। और गैस्ट्रुलेशन आपका मेनली दो इवेंट होते हैं गैस्ट्रुलेशन में। कितने इवेंट होते हैं, दो इवेंट। अगर इवेंट में बोलूँ तो दो इवेंट होते हैं, एक को हम बोलते हैं डिफ्रेंशिएशन ऑफ द सेल। एक तो सेल का डिफ्रेंशिएशन हो रहा है कि पर्टिकुलर सेल क्या करने जा रही है, और दूसरा इसमें मोर्फोजेनिक मूवमेंट भी होता है, मोर्फोजेनेटिक मूवमेंट। ठीक है, तो मोर्फोजेनेटिक मूवमेंट होता है मतलब जो सेल है वो किस तरह से मूव करेगी, मतलब शीट्स की फॉर्म में मूव करेगी या सेल सिंगल सेल या कैसे मूव करेगी, तो वो सब मैं इसमें बताऊंगा। और जब गैस्ट्रुलेशन हो जाएगा तो बेसिकली आपको क्या होगा, तीन लेयर तो आपकी ये बन जाएंगी और इसके अलावा आपका प्रिमिटिव गट और आर्केंट्रोन बन जाएगा। सो दैट इज दी ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ द गैस्ट्रुलेशन। आई होप इतना समझ में आया होगा, तो इसको फटाफट लिखते हैं। तो लिखो द प्रोसेस थ्रू विच, अगर आपको मेरी स्पीड ज़्यादा लग रही है तो आप अपनी स्पीड कम कर सकते हैं, और अगर मेरी स्पीड कम लग रही है तो आप अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं। ठीक है, वो यूट्यूब ने ऑप्शन दिया हुआ आपको, वो आप कर सकते हैं। तो द प्रोसेस थ्रू विच द प्रिजम्पटिव एरियाज, इसकी बात कर रहे हैं, द प्रिजम्पटिव एरियाज एरियाज ऑफ ऑर्गन स्पेसिफिक रूडिमेंट्स प्रेजेंट ऑन दी सरफेस ऑफ, किसके सरफेस पे प्रेजेंट होंगे, ब्लास्टुला, सरफेस ऑफ ब्लास्टुला। ठीक है, मूव टू देयर स्पेसिफिक पोजिशंस। ठीक है, मैंने बोला स्पेसिफिक पोजिशंस पे जाएंगे जहाँ पर ये फर्दर डेवलपमेंट करके ऑर्गेनिज्म में अडल्ट की फॉर्मेशन में कराने में हेल्प करेंगे। तो स्पेसिफिक पोजिशन वेयर दे हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है भाई, तो ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे। फाइनल है, मतलब ये समझ में आ गया इतना।
अब उसके बाद मैंने आपको बोला था कि जो गैस्ट्रुलेशन है उसमें दो इवेंट्स होते हैं. सो इट इंक्लूड्स, मतलब ये जो चीज़ हो रही है कैसे हो रही है, इट इंक्लूड्स टू इवेंट्स. ठीक है, तो एक तो होता है आपका सेल डिफरेंशिएशन, सेल डिफरेंशिएशन, तो एक तो आपका सेल डिफरेंशिएशन हो जाएगा, और दूसरा आपका होता है, दूसरा क्या होता है, मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट, मॉर्फो जेनेटिक मूवमेंट. ठीक है, तो ये मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट को मैं MM लिख रहा हूँ. अभी इसको मैं आपको डिटेल में बताऊंगा क्या मतलब. मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट का मतलब यही है कि जो मॉर्फोजेंस होते हैं ना, कुछ मॉर्फोजेंस होते हैं, जो मतलब कुछ सिग्नल्स होते हैं, वो प्रोटीन भी हो सकते हैं, जीन्स भी हो सकते हैं, है ना, कुछ भी फैक्टर्स हो सकते हैं, वो आपका हेल्प करते हैं जो सेल्स से है ना, उनको ऑर्गेनाइज होने में हेल्प करते हैं कि हाँ भाई ऐसे ऐसे जाना है, इसको यहाँ जाना है, उसको वहाँ जाना है, तो बताते हैं उनको रास्ता. ठीक है, तो उसी मूवमेंट को हम बोलते हैं मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट. ठीक है, तो मैं अभी आपको बताऊंगा किस किस तरह से होती है, और ये हो गया आपका. उसके बाद आपका होता है कि गैस्ट्रुलेशन की वजह से होता है क्या. सो गैस्ट्रुलेशन रिजल्ट्स इन किस चीज़ में रिजल्ट होता है, इसका मतलब क्या चीज़ बनती है गैस्ट्रुलेशन होने के बाद. तो आप बोलोगे कि सेटिंग ऑफ थ्री जर्म लेयर्स, है ना, जो प्राइमरी जर्म लेयर्स हमारी यहाँ पे बन रही है, तो इट रिजल्ट्स इन सेटिंग अपार्ट ऑफ द थ्री जर्मिनल लेयर्स. ओके, कौन कौन से जर्मिनल है, दैट इज एक्टो, मीजो एंड एंडो. ठीक है, ये एंड एंडो, और किससे बनेगी, फ्रॉम अ सिंगल लेयर. ये सब मैं आपको बता दिया मैंने शुरू में, क्या मैं क्या क्या लिखवा रहा हूँ. ठीक है, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, और उस सिंगल लेयर ऑफ सेल्स को आप क्या बोल रहे हो, ब्लास्टुला के पास जो है, तो उसको हम बोल रहे हैं ब्लास्टोडम, कॉल्ड ब्लास्टोडम. याद करो ब्लास्टुला का स्ट्रक्चर, ऐसे हमने पढ़ा था, ये ब्लास्टोडम थी और ये आपका ब्लास्टोसील था, है ना, तो वही है, उसी से आपका तीन लेयर बन रही है. सो क्लियर हो गया. तो एक तो ये बन रहा है, और दूसरा क्या बन रहा है, मैंने बोला था कि जो गट और आर्केंट्रॉन भी है वो भी इसी से, तो फॉर्मेशन ऑफ आर्केंट्रॉन. ठीक है, या इसको हम क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव गट. तो प्रिमिटिव गट भी आपका गैस्ट्रुलेशन में ही बन जाता है. ठीक है, बाकी ऑर्गेनिक स्पेसिफिक चीज़ें आपकी आगे चल के बनती है. तो इतना क्लियर हुआ, कोई डाउट तो नहीं है इसमें, अगर कोई डाउट हो तो बता दो. ठीक है, नहीं है तो चलो आगे बढ़ते हैं. अब इसके बाद ये थोड़ा सा मैंने आपको बता दी ओवरव्यू, अब मैं ये आपको थोड़ा सा ना मॉर्फोजेनेटिक जो मूवमेंट हो रहे हैं ये बताना चाहता हूँ. तो किस किस टाइप के मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट होते हैं मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ. ठीक है, तो इसमें जो आपका मूवमेंट होता है, ये मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट जो होते हैं बेसिकली ये दो तरह के होते हैं. मतलब मान लो आपका ये गैस्ट्रुला स्टेज में एंटर कर दिया आपका ब्लास्टुला, तो अब इसमें जो सेल्स हैं आपकी, जो सेल्स हैं आपकी वो किस तरह से मूव करेंगी, सो दैट इज मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट. तो इसमें बेसिकली दो तरह के मूवमेंट होता है, टू टाइप्स ऑफ मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट. एक का नाम होता है एपी बोली और दूसरे का नाम होता है एम्बोली. एपी आपको पता ही है, एपी मतलब ऊपर. तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो सेल्स होती हैं आपकी इनका जो मूवमेंट होता है वो ऐसे होता है. ठीक है, इन्हीं के ऊपर ऊपर वाली लेयर में ऐसे 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 मूवमेंट होता है इनका, सो दैट इज एपीबोली. और जो एम्बोली होता है, एम्बोली मतलब इनसाइड, तो इनका जो मूवमेंट होगा वो अंदर की तरफ होगा, मतलब अंदर मूव करेंगी ये, माइग्रेशन जो भी इनका होगा ना वो अंदर की साइड होगा, सो दैट इज एम्बोली. क्लियर हो गया, अभी मैं डिटेल में बताऊंगा एपीबोली एम्बोली को. और इतना क्लियर हुआ, मतलब अगर सेल जो है वो बाहर की तरह मूव कर रही है तो आपका एपीबोली हो गया, और अंदर अगर मूव कर रही है तो आपका एम्बोली हो गया. ओके, इतना क्लियर है, अभी मैं बताऊंगा कैसे होगा. एम्बोली भी आपका चार तरह का होता है. एम्बोली भी कितने तरह का होता है आपका, चार तरह का होता है. तो सबसे पहले एम्बोली में होता है इनवेजिनेशन, मतलब अंदर जो सेल मूव करेंगी वो किस किस तरह से कर सकती है. तो एक तो होता है इनवेजिनेशन, इनवेजिनेशन मतलब इनवेजिनेशन कैसे होता है अभी मैं बताऊंगा आपको. दूसरा होता है इनवोल्यूशन, इनवोल्यूशन ठीक है, इनवोल्यूशन हो गया. तीसरा होता है इनग्रेशन, इनग्रेशन. और चौथा होता है आपका डीलेमिनेशन, जो लेमिनेशन आप कराते हो ना उसका उल्टा, डीलेमिनेशन. सो दीज आर दी फोर टाइप्स ऑफ एम्बोली, मतलब अंदर जो मूवमेंट आपका सेल में हो रहा है वो कैसे हो रहा है. तो इतना क्लियर हो गया. ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि गैस्ट्रुलेशन जब आप एम्फीबियन का पढ़ोगे ना, जो फ्रॉग बेसिकली, जब उसको आप गैस्ट्रुलेशन पढ़ोगे ना, तो यही वर्ड्स आपको वहाँ पे मिलेंगे, इन्वेजिनेशन हो गया, अब इन्वोल्यूशन हो गया, है ना, अब एपिबोली हो गया. तो अगर ये वर्ड्स आपको यहाँ पे क्लियर नहीं होंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी आगे, समझ रहे मेरी बात. तो मैं पहले इनको क्लियर करूंगा, देन आपका मैं गैस्ट्रुलेशन इन एम्फीबिया पढ़ाऊंगा डिटेल से.
ठीक है। और वहाँ यहाँ पर मैं इनको अच्छे से समझा दूंगा तो वहाँ पर सिर्फ मैं इनका नाम यूज़ करूँगा, ठीक है। वहाँ पर मैं आपको डायग्राम में दिखा दूंगा कि कैसे हो रहा है, बट मैं वहाँ पर इनके बारे में लिखवाऊंगा नहीं, लिखवाऊंगा मैं यहीं पर, ठीक है। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले एपिबोली हेडिंग डालो। एपिबोली क्या होता है? एपिबोली, ठीक है। देखो नाम से समझ में आ रहा है, एपी मतलब ऊपर। तो इसमें क्या होता है कि जो ये सेल है ना, मान लो ऐसे सेल, ठीक है, न्यूक्लियस डाल देंगे सब में एक। तो ये आपकी जो गैस्ट्रुलेशन स्टेज में जो आया वो पड़ा हुआ है, ठीक है। अब होगा क्या एपिवोली के केस में? एपिवोली के केस में क्या होता है कि जो ये सेल्स होती है ना आपकी, ये सेल्स जो होती हैं, इनके ऊपर की साइड में मूवमेंट होने लग जाता है, ठीक है। मतलब इन्हीं सेल्स का एक्सपेंशन हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ शीट। मतलब एक सेल मूव नहीं करेगी, ये सारी सेल धीरे धीरे ऐसे मूव करने लग जाएंगी इसी के ऊपर ऐसे। तो आपकी एक लेयर ऑफ सेल और बना देंगी, समझ लो। तो ये आपका हो जाता है एपिबोली, ठीक है। तो अगर यहाँ पे एक लाइन में लिखना हो तो आप एक लाइन में क्या लिख सकते हो? एपिबोली में आप लिख सकते हो कि एक्सपेंशन ऑफ वन शीट सेल या सेल शीट। तो लिखो यहाँ पे, लिखो एक्सपेंशन ऑफ वन, एक्सपेंशन ऑफ वन सेल शीट, वन सेल शीट ओवर दी अदर सेल्स, ठीक है। ये जो सेल्स थी इन्हीं का जो मूवमेंट हो रहा है वो इसके ऊपर हो जाता है। तो ये कहाँ देखने को मिलता है इसका? अगर मैं एग्जांपल बताऊँ आपको, तो जो हम एक्टोडर्म पढ़ेंगे ना एम्फीबियंस की, मतलब जो आउटर, अब आप खुद सोचो ये सेल जो अगर बाहर की तरफ मूव करेंगी तो क्या बनाएंगी यहाँ पे? सबसे आउटर मोस्ट लेयर क्या होती है आपकी? एक्टोडर्म होती है। तो जो एम्फीबियंस में एक्टोडर्म बनती है, सी अर्चिन्स होते हैं उनमें जो एक्टोडर्म बनती है वो आपका एपिबोली के थ्रू बनती है। समझ में आ गया? तो बस एपिबोली में कुछ नहीं है, ये सेल्स थी आपकी, यहाँ पे ऐसे सेल्स अरेंज थी और इनका जो मूवमेंट था वो ऐसे होने लगा कि इन्होंने एक लेयर और बाहर बना दी अपने, ठीक है। दैट इज एपिबोली। तो इसमें एग्जाम्पल लिख सकते हो आप, एक्टोडर्म फॉर्मेशन ऑफ, फॉर्मेशन इन एम्फीबियंस, एम्फीबियंस या सी अर्चिन, ठीक है। तो इनमें होता है। तो इसमें आपका इंपॉर्टेंट क्या हो गया कि जो पूरी सेल है उसकी पूरी की पूरी शीट जो मूव कर रही है, एक सिंगल सेल नहीं, सेल शीट मूव कर रही है, ठीक है, और बना क्या रही है आपकी एक्टोडर्म। क्लियर हो गया इतना? सो दैट इज एपिबोली। और मतलब जब मैं फ्रॉग का डायग्राम बनाऊंगा और वहाँ पे दो तीन पॉइंट वहाँ पे भी लिखवाऊंगा आपको और वहाँ पे भी बता दूंगा कि कैसे कैसे हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एपिबोली। अब एम्बोली में मैं आपके जो चार टाइप मैंने नाम लिखवाए हैं उनमें एक एक करके मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो पहला एम्बोली में लिखो, एम्बोली सेल अंदर मूव कर रही है ना, तो इसमें मैंने आपको चार नाम लिखाए थे। सबसे पहला इन्वेजिनेशन बताया था, इन्वेजिनेशन। देखो नाम में समझ आ रहा है इन्वेजिनेशन। तो अगर आपने क्या बोलते हैं नॉन कोडेटा वाले लेक्चर्स देखे हो तो वहाँ पे मैंने बता रखा है। तो होता क्या है कि जो ऑर्गेनिज्म होता है, मान लो ये है, तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे ये एम्फीबियंस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर ना कुछ सेल्स होती हैं, ठीक है, उनको हम बोलते हैं बॉटल सेल्स, ठीक है। तो बॉटल सेल जो होती हैं वहाँ, यहाँ पर थोड़ा सा ना इन्वेजिनेशन में हेल्प करती हैं, ठीक है। वो अभी मैं आपको डिटेल में बताऊँ, बस ये समझ लो कि यहाँ से सेल जो होती हैं वो इन्वेजिनेट कर जाती हैं ऐसे, और ये आपका आर्केंट्रोन बन जाता है, समझ गए। तो ये जो सेल आपकी यहाँ से इनवेजाइनेट हुई, ये आपका मान लो पूरा का पूरा एक्टोडर्म था ये, ठीक है, ये आपका एक्टोडर्म था पूरा ऑर्गेनिज्म के बाद। और एक्टोडर्म के बाद जब इनका इनवेजाइनेशन हुआ, यहाँ से जब इनवेजाइनेट करा मतलब अंदर की तरफ जब मूव करा, तो ये अलग तरह की आपकी लेयर मतलब अलग तरह की सेल्स बन जाती है जिनको हम एंडोडर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंडोडर्म। सो इनवेजाइनेशन हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ एंडोडर्म थ्रू दी इनवेजाइनेशन। तो इनवेजाइनेशन हुआ तो इन्होंने एंडोडर्म, तो ये आपका एक्टोडर्म हो गया और ये आपका एंडोडर्म हो गया, क्लियर है। तो इनवेजाइनेशन होने की वजह से जो सेल्स का फॉर्मेशन होता है दैट इज एंडोडर्म। तो एक्टोडर्म कैसे बना समझ में आ गया, एंडोडर्म कैसे बना समझ में आ गया। देन थर्ड, अच्छा इसमें भी एक लाइन लिख लो इनवेजाइनेशन में, इसमें लिख लो इनफोल्डिंग ऑफ सेल शीट। तो इनफोल्डिंग हो रही है ना सेल की पूरी शीट की, एक सिंगल सेल नहीं है यहाँ पे भी, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो इनफोल्डिंग ऑफ, इनफोल्डिंग ऑफ सेल शीट। यहाँ पे समझने के लिए सिर्फ लिखवा रहा हूँ मैं, मतलब समझा के लिखवा रहा हूँ, बाकी जब एम्फीबियन में पढ़ेंगे तो वहाँ भी दो दो लाइन लिखवाऊंगा। इनफोल्डिंग ऑफ सेल शीट इनटू एम्ब्रियो, ठीक है। तो ऐसा, तो जब ऐसा होता है तो इसकी वजह से क्या बनता है, इसकी वजह से एंडोडर्म फॉर्मेशन होता है। तो एग्जाम्पल एंडोडर्म फॉर्मेशन, ठीक है, तो एंडोडर्म फॉर्मेशन तो ये आपका हो गया। तो एंडोडर्म किस में है आपका? वही सी अर्चिन या एम्फीबियंस में, एम्फीबियंस सी अर्चिन लिख लो, ठीक है। सो एंडोडर्म फॉर्मेशन इन सी अर्चिन, सो दैट इज इनवेजाइनेशन या एम्फीबियन, दैट इज इनवेजाइनेशन। देन सेकंड था एम्बोली में, सेकंड मैंने आपको क्या बताया था, सेकंड मैंने आपको बताया था इनवोल्यूशन, इनवोल्यूशन,
इन्वोल्यूशन। देखो इनवेजाइनेशन मतलब वेजाइनेट करके अंदर, इन्वोल्यूशन का मतलब होता है थोड़ा सा हल्का सा बेंड लेना अंदर की साइड पे, ठीक है। तो इंटर्निंग बोलते हैं उसको, जो एक सेल शीट होती है ना वो अपनी बेसल सरफेस पे, देखो ऐसा होता है, ये है मान लो, तो ये आपकी देख रहे हो ना, ये आपकी ऐसे, ये आपकी थी एक्टोडर्म जो थी, ठीक है। अभी एक्टोडर्म का क्या हुआ, एक्टोडर्म में जो है आगे थोड़ी अलग तरह की सेल डेवलप हुई और ये फिर सेल जो है वो आगे जाके अंदर की तरफ मूवमेंट करने लग गई ऐसे, ठीक है। यहाँ पे इनकी कंटिन्यूएशन हुई और एक नई सेल बनी और इनका अंदर की साइड ऐसे मूवमेंट होने लगा, ठीक है। यहाँ भी मैं आपको दिखाता हूँ, तो ये आपका ब्लास्टोपोर बनने के बाद ऐसा कुछ देखने को मिलता है, ये भी आएगा डोंट वरी। बस ये समझ लो कि इन्वोल्यूशन में क्या होता है कि जो सेल्स होती हैं वो इंटर्न कर जाती हैं, मतलब अंदर की साइड को ना ऐसे फिर मूव करने लग जाएंगी, ऐसे अंदर की साइड को मूव करने लग जाएंगी, इंटर्निंग हो जाती है सेल शीट की, ठीक है। तो जो बेसल सरफेस थी एक्टोडर्म की उसी के ऊपर इनकी इंटर्निंग हो जाती है और ये अंदर मूव करने लग जाती है। तो इस टाइप से जो मूवमेंट शो किया जाता है वो आपकी मीजोडर्म करती है, कौन करती है, मीजोडर्म। सो इन्वोल्यूशन लीड्स टू दी फॉर्मेशन ऑफ मीजोडर्म। तो एक्टो कैसे बना, एंडो कैसे बना और मीजो कैसे बना, ये मैंने तीनों आपको बता दिए, ठीक है। तो बस इसमें भी एक लाइन लिख लो फटाफट, इन्वोल्यूशन में देखो इंटर्निंग ऑफ सेल शीट, इंटर्निंग ऑफ सेल शीट, ठीक है, इंटर्निंग ऑफ सेल शीट ओवर द बेसल सरफेस, बेसल सरफेस ऑफ एन आउटर लेयर, आउटर लेयर वो कौन सी आपकी, एक्टोडर्म जनरली, ठीक है। तो ये आपको, तो इसकी एग्जांपल में क्या लिख सकते हो कि एम्फीबियंस की जो मीजोडर्म होती है वो ऐसे बनती है। सो एम्फीबियन, एम्फीबियन मीजोडर्म फॉर्मेशन, क्लियर हो गया भाई। तीनों लेयर हमने बना लिए हैं, एक्टो मीजो रेंडो कैसे बन रही है मैंने प्रोसेस बता दिया आपको, तो ये समझ में आ गए होंगे तीनों। देन उसके बाद मैंने आपको इनग्रेशन भी बताया था, एम्बोली में तीसरा टाइप का मैंने आपको इनग्रेशन लिखवाया था। तो इनग्रेशन नाम से समझ में आ रहा है कि कुछ इनग्रेड होगा, मतलब यहाँ पर अब देखो अभी तक क्या हो रहा था, सेल शीट की बात हो रही थी, मतलब पूरी की पूरी शीट जो है वो कर रही है। इनग्रेशन में क्या होता है, इंडिविजुअल सेल्स का ना माइग्रेशन हो जाता है। देखो ये सब अंदर हो रहा है ना, इसमें भी इनवेजाइनेशन में अंदर हुआ, ये भी अंदर हुआ, दैट इज़ वाई एम बोली। तो इनग्रेशन में भी क्या होता है कि इंडिविजुअल सेल्स जो होंगे ना, जो एक लेयर होगी, जैसे देखो ऐसे ऐसे समझो इसको कि ये है, ठीक है, न्यूक्लियस डाल देना सब में, ये मान लो ब्लास्टोमेयर्स थी, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लास्टोमेयर्स का अरेंजमेंट है, तो इसमें क्या होगा, कुछ सेल्स जो होंगे ना, मान लो ये वाली सेल, ये जो ऐसे थी ब्लास्टोमेयर्स जो थी, ये वाली सेल टूट के अलग निकल गई यहाँ से, ये भी ऐसे अंदर गिरेगी, लेकिन क्योंकि हम बोली है ये ऐसे गिर गई। तो जब आप इसको अगली स्टेज में देखोगे कि कुछ सेल जो है वो माइग्रेट कर गई अंदर की साइड, तो आपको देखने को कुछ ऐसा मिलेगा जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया आपका, ठीक है। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा ब्रेक दिखाऊंगा, ठीक है, यहाँ से भी ब्रेक दिखाऊंगा, यहाँ से भी और यहाँ से भी, ठीक है। तो यहाँ से जो सेल ये आपकी आई, ये आपके अंदर आ गई, ठीक है, ये मान लो एक सेल थी, ये यहाँ से जो आई वो यहाँ आ गई, यहाँ से जो आई वो भी आ गई और यहाँ से जो आई वो भी आ गई। तो इस तरह से सेल जो थी वो यहाँ पे अंदर आ गई, समझ गए मेरी बात। तो इनग्रेशन में क्या होता है, इंडिविजुअल सेल जो है वो मूव, इनसे जो टूटती हैं माइग्रेट करती हैं, और माइग्रेट करके फिर क्या होगा, ये वाली जो थी ये तो आपस में फिर से जुड़ जाएंगी, तो ये फिर ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। और ये जो सेल्स आपकी अंदर आई थी इनग्रेड हो गए, ये भी आपकी अपनी एक नई सेल की लेयर बना लेंगी, ठीक है। तो ऐसे, सो दिस इज द इंग्रेशन। तो इस टाइप का जो मूवमेंट देखने को मिलता है, ये जो सी अर्चिन होता है ना उसमें जो मीजोडम बनता है वो ऐसे बनता है, ठीक है, एम्फीबियन में ऐसे बनता है और उसमें ऐसे बनता है। तो ये आपकी क्या हुई, दिस इज न्यू सेल अरेंजमेंट, न्यू सेल अरेंजमेंट, ठीक है। और ये आपका पहले की पहले सेल ही है। तो सम सेल्स माइग्रेट इन साइड द बॉडी, है ना। तो एग्जाम्पल क्या लिख सकते हो, ऐसे लिख लो पहले, माइग्रेशन ऑफ इंडिविजुअल सेल्स, इंडिविजुअल सेल्स इन टू द एम्ब्रियोज, एम्ब्रियोज इंटीरियर, ठीक है, एम्ब्रियो के अंदर ही इनका मूवमेंट हुआ। और ये एग्जाम्पल में आप लिख लो यहाँ पे, सी अर्चिन मीजोडम, सी अर्चिन मीजोडम। तो सी अर्चिन का जो मीजोडम बनता है वो ऐसे बनता है, ठीक है। सो दैट वॉज दी थर्ड वन। एंड लास्ट मैंने आपको बताया था, एक और बताया था ना मैंने, डी लेमाइनेशन, डी
लेमिनेशन या लेमिनेशन। तो डीलेमिनेशन में क्या होगा, यहाँ पर अब यहाँ पर इंडिविजुअल चलती है, लेकिन यहाँ पर से फिर से सेल शीट आ जाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि एक शीट जो होती है ना, वो स्प्लिट करके दो शीट या दो से ज़्यादा शीट में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है, पूरी की पूरी शीट। जैसे यहाँ पर ये एक एक इंडिविजुअल सेल टूट के गिरी है ना, तो वो एक एक सेल नहीं टूटती है, देखो जैसे ये देखो दिख रहा ना। तो ये इसमें सेल डाल देना, मान लो ये वाली जो सेल थी, ये वाली सेल, इन्होंने अपना माइटोसिस करा, ठीक है, और माइटोसिस करके मतलब इन्होंने अपना सेल नंबर बढ़ाया और एक लेयर दे दी अंदर की साइड, क्योंकि हम वो एम्बोली पढ़ रहे हैं। तो इसमें जब आप इस तरह से मतलब ये होता है, तो अगले स्टेज में देखने को ऐसा कुछ मिलता है कि ये तो ऐसे कैसी हैं, ठीक है, लेकिन इनकी इनमें जो माइटोसिस हुआ था, इनमें जो माइटोसिस हुआ था उसकी वजह से यहाँ पे एक एक नई सेल की लेयर देखने को मिली। जितनी सेल का माइटोसिस हुआ उतनी उतनी एक नई सेल लेयर देखने को मिली, ठीक है। तो दैट इज डीलेमाइनेशन। तो इसमें ये आपको देखने को मिलता है, जो अपने मैंने मेमेलिया पढ़ाया था उसमें जो हाइपोब्लास्ट बनती है ना, वो ऐसी बनती है, पूरी की पूरी शीट जो होती है वो ऐसे लेयर बाय लेयर बनती है। तो बर्ड हो गई, एव्स जो हो गए, मैमल्स हो गए, उनमें जो हाइपोब्लास्ट बनता है वो ऐसे बनता है। तो आप यहाँ पे लिख लो एक लाइन में कि स्प्लिटिंग स्प्लिटिंग और माइग्रेशन, स्प्लिटिंग ऑफ और माइग्रेशन ऑफ वन शीट, ठीक है, ये पूरा शीट है, यहाँ पे इंडिविजुअल था, इंडिविजुअल सेल था, यहाँ पे आपकी वन शीट इंटू टू शीट, दो शीट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो आप एग्जांपल लिख सकते हो, देखो नाम से समझ में आ रहा है डीलेमिनेशन, तो जो लेमिनेशन का मतलब तो कवरिंग होता है, डीलेमिनेशन मतलब कवरिंग हट जाना, तो एक कवरिंग से दो कवरिंग मतलब एक कवरिंग की हट के दूसरी आ गई, तो दैट इज डीलेमिनेशन। तो एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो मेमेलियन एंड बर्ड, दिख रहा है एक सेकेंड, मेमेलियन एंड बर्ड हाइपोब्लास्ट फॉर्मेशन, हमने एपिब्लास्ट हाइपोब्लास्ट जो पढ़ा था वहाँ पे मैंने बताया था, सो दैट इज डीलेमिनेशन। तो ये आपके जो स्पेसिफिक मूवमेंट्स होते हैं ना गैस्ट्रुलेशन के टाइम पे, जो मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट जैसे जैसे हो रहा है, वो मैंने आपको सारे बता दिए। तो अब इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। तो जब मैं आपको एम्फीबियन का गैस्ट्रुलेशन अब बता रहा हूँ आगे, तो उसमें आपको आप सब चीज़ समझ में आनी चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा वो कन्फ्यूजिंग है और इमेजिनेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, बट मैं कोशिश करूँगा उसको बहुत ही सिंपलिस्टिक वे में आपको बताऊँ, ताकि सब चीज़ें आपके समझ में आ जाए। फिर भी अगर कोई चीज़ आपको नहीं आती तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलो अब एम्फीबियन गैस्ट्रुलेशन इन एम्फीबियन सेटिंग डालते हैं और उसको कंप्लीट करते हैं। तो गैस्ट्रुलेशन इन एम्फीबियन, गैस्ट्रुलेशन इन एम्फीबियंस, एम्फीबियंस, ठीक है, सो दैट इज द टॉपिक, मतलब गैस्ट्रुलेशन में जो हम कर रहे हैं इसको। तो गैस्ट्रुलेशन एम्फीबियंस में अगर मैं बोलूँ, पहले गैस्ट्रुलेशन तक लेकर आता हूँ मैं एक बार, है ना, जो थोड़ा सा डिटेल में इसको बताता हूँ कि कैसे कैसे गैस्ट्रुलेशन तक आया, फिर उसके बाद गैस्ट्रुलेशन में डिटेल से आगे करेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या होता है कि जो एग होता है फीमेल, मतलब जो एम्फीबियंस में जो एग होता है आपका, कुछ ऐसा होता है, इसमें मैं बीच में इक्वेटर की तरह लाइन खींच देता हूँ। तो इसमें क्या होता है, दो पोल होते हैं, एक एनिमल पोल, ये मैं आपको बता चुका हूँ पहले, एनिमल पोल, एनिमल पोल कौन सी साइड का होता है, और एक वेजिटल पोल, वेजिटल पोल। तो एनिमल पोल उस साइड का पोल होता है जो जिस साइड आपका फर्टिलाइजेशन होने वाला होता है। तो मान लो जो स्पर्म है वो आपका इस साइड से आ रहा है, ठीक है, तो जिस साइड फर्टिलाइजेशन होता है उस साइड आपको एनिमल पोल बोलते हैं। और ये वाला जो पार्ट होता है थोड़ा सा ना डार्क होता है एनिमल पोल, और ये थोड़ा लाइट कलर होता है, ठीक है, ये तो पता होगा, नहीं पता तो कोई बात नहीं, ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना समझ लो कि एनिमल पोल थोड़ा सा हल्का सा डार्क होता है और जो वेजिटल पोल होता है वो हल्का सा लाइट होता है, ठीक है, इतना क्लियर है, वेरी गुड। तो अब मैं यहाँ से बताऊंगा आपको शुरू से। अब जैसे ही ये स्पर्म इसके अंदर घुसता है फर्टिलाइजेशन करने के लिए, तो ये जो स्पर्म होता है ये एक पोजिशनल सिग्नल का काम करता है। पोजिशनल सिग्नल का क्या मतलब है, पोजिशनल सिग्नल का मतलब ये है कि जिस साइड से एम्ब्रियो, जिस साइड से जो स्पर्म है वो एंटर करेगा इसमें एग में, उससे हमें, उससे हमारा जो एम्फीबियन है उसका डोर्सो वेंट्रल एक्सिस पता चलेगा, समझ रहे हो। तो इस जिस साइड से ये एंटर करेगा उस उसके एंटर करने की वजह से हमें क्या पता चलेगा, डोर्सल और वेंट्रल। तो जिस साइड ये एंटर करेगा, मतलब मान लो इस साइड से एंटर कर रहा है, तो इस साइड से जो जो भी चीज़ बनेगी आपकी वो आपका वेंट्रल सरफेस में चली जाएगी, और इस साइड से जो भी बनेगी आपकी अपोजिट साइड से वो आपका डोर्सल में जाएगी। देखो मैं बताता हूँ कैसे। तो आप यहाँ पे इसमें लिख सकते हो कि स्पर्म एक्ट एज, मान लो स्पर्म इसकी तरफ आ रहा है, तो आप यहाँ पे लिखो स्पर्म एक्स एज अ पोजिशनल, ये मतलब गैस्ट्रुलेशन से पहले का पार्ट है, तो इसको समझना ज़रूरी है ताकि आगे कंटिन्यूटी में चीज़ें समझ में आए आपको, ठीक है।
स्पर्म एक्ट्स एज अ पोजिशनल सिग्नल, पोजिशनल सिग्नल दैट सेट्स अप दैट सेट्स अप अ न्यू एक्सिस, ठीक है, न्यू एक्सिस तो नई एक्सिस बनाने में हेल्प करता है इन द एम्ब्रियो, एम्ब्रियो में, ठीक है भाई, नई एक्सिस बनाने में हेल्प करता है। और ये जो नई एक्सिस होती है, इस एक्सिस से हमारा डोर्सो वेंट्रल एक्सिस हम इसको बोल रहे हैं। अभी मैं आपको अगले स्टेप में बताता हूँ कि हम उसको डोर्सो वेंट्रल एक्सिस बोल रहे हैं, या इसको बैली टू बैक एक्सिस भी बोलते हैं। मतलब वेंट्रल साइड में बैली आ जाएगा और डोर्सल साइड में बैक आ जाएगा, तो इसलिए हम इसको बैली टू बैक एक्सिस भी बोलते हैं, ठीक है। तो स्पर्म ने जिस साइड से एंट्री ली उसी साइड से हमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये जो एनिमल पोल की साइड साइटोप्लाज्म होता है, इसको बोलते हैं कोर्टिकल साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? कोर्टिकल साइटोप्लाज्म। जिस मतलब एनिमल पोल में जो साइटोप्लाज्म होता है उसको क्या बोलते हैं? कोर्टिकल साइटोप्लाज्म। तो होता क्या है कि जैसे ही स्पर्म इससे एंटर किया, तो जैसे ही स्पर्म ने इसको इसमें एंटर करा, तो कोर्टिकल साइटोप्लाज्म जो होता है ना, ये 30 डिग्री का रोटेशन ले लेता है। मतलब 30 डिग्री रोटेट कर जाता है, समझ गए। तो 30 डिग्री के रोटेशन होने की वजह से क्या होगा कि यहाँ से एक एरिया एक्सपोज हो जाता है। देखो कैसे हुआ इसमें, पहले आप ये चीज़ लिख लो कि स्पर्म स्पर्म एंटर्स द एग। स्पर्म जैसे ही एग में एंटर करा, तो उसकी वजह से क्या हुआ, कोर्टिकल साइटोप्लाज्म रोटेट्स रोटेट्स 30 डिग्री टुवर्ड्स टुवर्ड्स दी इसी की साइड, जिस साइड फर्टिलाइजेशन है, टुवर्ड्स दी साइड ऑफ टुवर्ड्स दी साइट साइट लिख लो, जिस साइड ये हुआ, टुवर्ड्स दी साइट ऑफ स्पर्म एंट्री, ठीक है। तो स्पर्म की एंट्री जिस साइड हुई है, उस साइड इसने 30 डिग्री का रोटेशन ले लिया। और लिया कैसे, अभी दिखाता हूँ। उसकी रोटेशन की वजह से क्या होगा, जैसे मान लो ये था, देख ही लो, ये आपका एग था मान लो, ठीक है। तो इसमें ऐसे एक्सिस बनाई थी पहले हमने, तो मान लो यहाँ से स्पर्म जो है वो एंटर कर गया आपका, है ना, यहाँ से एंटर कर गया, तो दैट इज डार्क एरिया। तो इसमें जैसे ही एंटर करेगा, और इसके जो अपोजिट साइड होता है वेजिटल एक्सिस में, वेजिटल एक्सिस में कुछ मॉलिक्यूल्स पड़े होते हैं जो डोर्सल सरफेस बनाने में हेल्प करते हैं। तो इन मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं मॉलिक्यूल्स दैट आर स्पेसिफिक फॉर डोर्सल फेट, मॉलिक्यूल्स फॉर डोर्सल फेट। क्योंकि मैंने आपको बताया जिस साइड फर्टिलाइजेशन होगा वो तो वेंट्रल के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा, और अपोजिट वाली साइड डोर्सल के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाएगी, ठीक है। तो अब जैसे ही स्पर्म ने इसमें एंट्री ली, तो यहाँ पर होता है कोर्टिकल रोटेशन, जिसका कोर्टिकल साइटोप्लाज्म का रोटेशन हो जाएगा। तो रोटेशन होने के बाद देखो कैसा कुछ दिखेगा, ये आपका ये था, ठीक है। तो ये आपकी अभी ऐसे है, तो अभी ऐसे है, बट ओरिजिनली अगर मैं दिखाऊं आपको, तो ओरिजिनली ने ओरिजिनली जो थी वो ये ओरिजिनल वाली थी, मतलब ये वाली ये थी, क्योंकि ये 30 डिग्री ऐसे ऊपर मूव कर गई है। सो 30 डिग्री रोटेशन हो गया, तो इसका जो साइटोप्लाज्म था वो अब यहाँ तक आ गया। अब यहाँ से लेके यहाँ तक साइटोप्लाज्म है, अब ये एरिया खाली हो गया, क्योंकि ये व्हाइट वाले से मतलब ये जो अपोजिट वाली साइड थी वो यहाँ पे आ गई। तो अब ये जो आपके ग्रेन्यूल्स थे, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स थे, वो भी थोड़ा सा मूव करके इधर की साइड आ गए, क्योंकि ये तो यहाँ पे पड़े हुए थे, तो अब ये इधर मूव करेंगे तो ये भी इधर मूव कर गए, समझ गए इतना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब ये मूवमेंट हुआ आपका स्पर्म के एंट्री के बाद, तो इस मूवमेंट की वजह से आपका क्या होगा, ये एरिया जो था ये एक्सपोज हो जाता है। और इस एरिया को जो एक्सपोज होता है, ये थोड़ा सा लाइटर होता है, क्योंकि लाइटर वाला पार्ट है, तो ये लाइटर होता है। और इस एरिया को हम बोलते हैं ग्रे क्रीसेंट एरिया। क्या बोलते हैं? ग्रे क्रीसेंट एरिया। सो दैट इज ग्रे क्रीसेंट एरिया। ये सब नाम ध्यान से सुन लो, अच्छे से याद रख लो। तो आप यहाँ पे एक लाइन लिख लो चाहो तो इसके बाद, कि दिस रोटेशन मतलब दिस रोटेशन एक्सपोजिज अ वेज लाइक सरफेस अंडर द साइटोप्लाज्म, ठीक है, एंड दैट प्रोड्यूसेज अ जोन ऑफ लाइटर कलर विच इज नोन एज ग्रे क्रीसेंट एरिया, ठीक है भाई, इतना समझ में आया? ओके, वेरी गुड। अब उसके बाद क्या होगा आपका, तो ये जो ग्रे क्रीसेंट एरिया आपका बना, ये ग्रे क्रीसेंट एरिया क्या करता है, ये लेटरली थोड़ा सा लेटरली और थोड़ा वेंट्रली, लेटरली और वेंट्रली मूव करता है, और ब्लास्टोपोर फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि जब ऑर्गेनिज्म होता है आपका, दिख रहा है, तो सबसे पहले यहाँ पे ना एक ब्लास्टोपोर बनता है, फिर ये ब्लास्टोपोर से आपका आर्केंट्रोन बनता है, ठीक है, ये बड़ा हो जाता है ब्लास्टोपोर। तो यहाँ पर जो ये इस वाले एरिया में वेजिटल का थोड़ा सा, इसको मार्जिनल जोन भी हम बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक सेल का फॉर्मेशन करवाता है, ब्लास्टोस्पोर बनाने के बाद, ब्लास्टोस्पोर जो बनता है, उस ब्लास्टोस्पोर में एक स्पेशल टाइप की सेल्स होती हैं जिसको हम बोलते हैं बोटल सेल्स। क्या बोलते हैं?
बोटल सेल्स, तो वो बोटल सेल्स जो होती हैं वो फर्दर आपका मतलब बोटल सेल जब बन जाती हैं तो उससे पता चल दैट शोज द फर्स्ट एविडेंट मूवमेंट ऑफ द गैस्ट्रुलेशन। तो उससे पता चलता है कि हाँ भाई अब गैस्ट्रुलेशन आपका शुरू हो गया, समझ गए। तो ये एक लाइन लिख लो आपके यहाँ पे ग्रेट क्रिसेंट एरिया के लिए कि दिस एरिया एक्सटेंड्स लेटरली, दिस एरिया एक्सटेंड्स लेटरली एंड वेंट्रली, ठीक है, मतलब बैली वाली साइड, लेटरली थोड़ा बाहर की साइड, बैली वाली साइड, टू फॉर्म ब्लास्टोपोर, ठीक है, ब्लास्टोपोर बनाता है। और द सेल्स कंप्राइजिंग द ब्लास्टोपोर आर बोटल सेल्स। तो जो ब्लास्टोपोर जब यहाँ पे बनता है ना, तो ब्लास्टोपोर लिप की लिप लिप इसको हम ब्लास्टोपोर लिप बोलते हैं, तो उसी के उसी में जो सेल्स होती हैं उसको बोटल सेल्स बोलते हैं। तो लिखो द सेल्स कंप्राइजिंग द सेल्स कंप्राइजेज द ब्लास्टोपोर लिप आर द बोटल सेल्स, ठीक है, ये बोटल सेल्स। और ये बोटल सेल जो होती हैं इन्हीं की जो शेप्स होती है, ये जो बोटल सेल्स दिख रही है, इन बोटल सेल्स की जो शेप होती है वो चेंज होती है, और उनके चेंज होने की वजह से फिर इन्वोल्यूशन होगा, समझ रहे हो। अभी इसके बाद क्या होगा, अभी मैं इसके बाद फिर आपको बाद में बताऊंगा, बस इतना समझ लो कि इस एरिया में क्या हुआ, ब्लास्टोपोर बनाने में हेल्प करी, और जो ब्लास्टोपोर में जो ब्लास्टोपोर लिप बनता है उसमें आपकी बोटल सेल्स होती हैं, बस इतना रखो इसको। अब जब ये आपका बना, अब इसको अभी यहाँ पे भूल जाओ जो मैंने आपको बताया। अब मैं आपको बता रहा था कि जब आपके ये जायगोट था ना आपका, तो इसमें जब फर्टिलाइजेशन हुआ, तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये 30 डिग्री मूव कर गया, तो अब इसमें डिवीजन शुरू हो जाएगा। वही हमने जो डिवीजन जितने भी पढ़े हैं, हमारा डिवीजन हो के आपका ये एक एक आपका ब्लास्टुला बना देगा। पहले मोरूला बनाएगा, डिवीजन होगा इसमें तो मोरूला बनेगा। मोरूला आपका इसका जो एम्फीबियंस होता है उसमें लगभग 16 से 64 सेल होती हैं मोरूला में, और फिर इस मोरूला से आपका ब्लास्टुला बनेगा। ब्लास्टुला में लगभग 128 सेल होती हैं, ठीक है। तो 16 to 64 सेल स्टेजेस नोन एज ब्लास्टुला, क्योंकि जायगोट बन गया, जायगोट का डेवलपमेंट होगा तो मोरूला बनेगा, हम पढ़ चुके हैं। मोरूला से डेवलपमेंट होगा तो ब्लास्टुला बनेगा। इसका ब्लास्टुला मैंने आपको बना के भी दिखाया था कि ऐसे सेल की लेयर होगी, ठीक है, ऐसे, और इसमें यहाँ पे ब्लास्टोसील कैविटी होती है और यहाँ पे आपकी सेल्स होती हैं, ठीक है। तो इस टाइप का इसका ब्लास्टुला होता है, समझ गए। अब ये जो ब्लास्टुला बन गया, अब इस बात ब्लास्टुला से आपका ये प्रोसेस शुरू होगा, ये जो ग्रेग रिसेंट एरिया वाला ना, यहाँ से अब आपका गैस्ट्रुलेशन शुरू होगा। क्या होगा आपका, यहाँ से अब गैस्ट्रुलेशन शुरू, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो अब हम गैस्ट्रुलेशन बताता हूँ एम्फीबियंस का, एम्फीबियन गैस्ट्रुलेशन, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं है इसमें, वेरी गुड। बस मुझे ये मैंने इसलिए अभी बताया आपको कि मुझे आपको ग्रे क्रिसेंट एरिया बताना था कि कहाँ पे बन रहा है, ब्लास्टोपोर बताना था कि कहाँ पे बन रहा है, और बोटल सेल्स बतानी थी कि कहाँ पे बन रहा है, क्योंकि मैं आपको अभी आगे ये डायरेक्टली यूज़ करूँगा तो फिर वहाँ पर बताना पड़ता है, इसलिए मैंने आपको पूरा प्रोसेस ही बता दिया कि कैसे कैसे चीज़ें हो रही हैं। ओके, अब देखो एम्फीबियन गैस्ट्रुलेशन जो हम कर रहे हैं, कोई भी गैस्ट्रुलेशन होता है तो उसका गोल क्या होता है, बेसिकली गैस्ट्रुलेशन का गोल होता है कि जो एक्टोडर्म बने, एंडोडर्म बने और मीजोडर्म बने, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अगर आपसे पूछूँ कि गोल क्या है, तो सबसे पहले हमारा गोल होता है कि जो एंडोडर्म सेल है आपकी वो एम्ब्रियो के अंदर आ जाए, है ना, और एक्टोडर्म सेल्स हैं वो आपकी कोटिंग बना ले एम्ब्रियो के बाहर, और जो मीजोडर्म सेल है वो इन दोनों के बीच में मूव करने लग जाए। सो दैट इज द गोल। तो गोल में अगर मैं लिखूँ तो क्या लिखोगे, ब्रिंग एंडोडर्म सेल्स टू द इनसाइड ऑफ एम्ब्रियो। अभी याद करो पीछे जो हम मेटा मोर्फोजेनेटिक मूवमेंट पढ़ कर रहे हैं वहाँ पे, तो पहला एंडोडर्म सेल जो होती है वो एम्ब्रियो के अंदर घुस जाए, और दूसरा अलाउ एक्टोडर्म सेल्स टू कोट दी आउटसाइड ऑफ द एम्ब्रियो, और एक्टोडर्म जो है वो एम्ब्रियो के बाहर कोट बना ले। एपिबोली याद करो, एपिबोली यहाँ पे एपिबोली याद करो, और यहाँ पर क्या याद करोगे, जो एंडोडर्म फॉर्मेशन हो रहा है वहाँ पे इनवेजिनेशन याद करो, आर्केंट्रॉन जो बन रहा था। और तीसरा गोल हमारे यहाँ पे होता है कि पोजिशनिंग ऑफ द मीजोडम इन बिटवीन, पोजिशनिंग ऑफ मीजोडम इन बिटवीन देम, मतलब एक्टो और एंडो के बीच में, ठीक है। तो अगर मीजोडम याद करना है तो क्या याद करोगे, तो इन्वोल्यूशन याद करो, समझ गए। तो ये हमारा गोल है। अब ये चीज़ मतलब ये तो हमारा गोल है, असल में जब ब्लास्टुलेशन का एंड चल रहा होता है तो उस टाइम पर फेट मैप जो होते हैं, फेट मैप,
ये आता है अपना, ये रोल प्ले करता है फेट मैप। अगले लेक्चर में मतलब एक आध लेक्चर बाद डिटेल में आएगा ये फेट मैप हमारा। बट यहाँ पे समझ लो कि फेट मैप क्या होता है, ये जो ब्लास्टुला फॉर्मेशन हुआ है इसके पास जो रूडिमेंट्री सेल्स थी जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया, को वो तो वो क्या करती हैं, वो एक एक क्या बोलते हैं कि मार्किंग की तरह एक्ट करती हैं। ठीक है, तो फेट मैप से हमें ये पता चलता है कि ये वाली सेल ये आगे चल के ये बनाएगी ये बनाएगी ये बनाएगी, तो दैट इज फेट मैप। तो हम इसमें बोलते हैं कि दिस इज द टोपोग्राफिकल सरफेस मार्किंग, जो हमने इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था कि जो ब्लास्टुला है आपका वो गैस्ट्रुला में कन्वर्ट होने से पहले जो उसमें मैंने डॉट डॉट करके सेल्स आपको दिखाई थी उसी की बात कर रहा हूँ। तो वो एक फेट मैप का काम करती है, क्योंकि उसकी मार्किंग से हमें पता चलता है कि ब्लास्टुला जो है वो जब गैस्ट्रुलेशन में जाएगा तो क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे बनेंगी। ठीक है, सो दैट इज फेट मैप। तो फेट मैप आपका एक लाइन यहाँ पे लिख लो, टोपोग्राफिकल टोपोग्राफिकल सरफेस मैपिंग, टोपोग्राफिकल सरफेस मैपिंग ऑफ द ब्लास्टुला, ऑफ द ब्लास्टुला विच प्रोवाइड्स सम इनसाइट टू द सेल्स, या विच प्रोवाइड्स सम मूवमेंट टू दी सेल्स यूजिंग मार्किंग। ठीक है, ये इसमें ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं, बस मैं ऐसे बता रहा हूँ फेट मैप होता क्या। तो फेट मैप कुछ नहीं होता, बस कुछ मार्किंग्स होती हैं, जैसे एक्टोडर्म से आपका क्या बनेगा, स्किन बनेगी, नोटोकोड बनेगी, वो सब, मीजोडर्म से क्या क्या बनेगा, तो दैट इज़ फेट मैप। फेट मैप का फेट मैप में हम पढ़ेंगे। तो इतना क्लियर हुआ, कोई डाउट तो नहीं है इसमें? वेरी गुड। अब उसके बाद मैं आपको स्टेप्स बताता हूँ गैस्ट्रुलेशन में कि कैसे कैसे गैस्ट्रुलेशन के स्टेप्स हैं, मतलब क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे हो रही हैं, समझ गए? सो स्टेप्स इन गैस्ट्रुलेशन इन एम्फीबियंस। चलो भाई, तो स्टेप्स इन गैस्ट्रुलेशन बहुत ही आराम से ध्यान से समझना, ठीक है? थोड़ा सा समझने वाला पार्ट है ना, कन्फ्यूजन होगी थोड़ी सी तो वापस से बैक कर लेना, कन्फ्यूजन होनी नहीं चाहिए। वैसे मैं बहुत ही सिंपलिस्टिक वे में बताने की कोशिश करूंगा। तो ये मेरा ब्लास्टुला है, ठीक है? ब्लास्टुला की जो स्टेज जो गैस्ट्रुलेशन में एंटर कर चुकी है वो मैंने स्टेज ले ली आपकी, ठीक है? तो इसमें होता क्या है, जैसे जैसे देखो ब्लास्टुला है, ब्लास्टुला के बाद अर्ली गैस्ट्रुला बनता है, अर्ली गैस्ट्रुला एंड देन उससे आपका लेट गैस्ट्रुला बनता है, ठीक है? तो ये आप मान लो समहाउ आपकी अर्ली गैस्ट्रुलेशन में जो शुरू में जो पहला स्टेप है ना वो मैंने आपका उठा लिया, ब्लास्टुलेशन के जस्ट खत्म होने के बाद जो शुरू हुआ है, ठीक है, वो मैंने ले लिया। तो अब देखो, मैंने आपको जो अभी पीछे बोला था, मैंने आपको बोला था एक ग्रे क्रिसेंट एरिया बना है, याद करो, ग्रे क्रिसेंट एरिया बना है, और ग्रे क्रिसेंट एरिया आपका लेटरली और वेंट्रली मूव करके ब्लास्टोपोर बना रहा है, मैंने आपको बताया अभी। उसके बाद जो उसमें ब्लास्टोपोर में जो सेल्स हैं उसको मैंने बोटल सेल्स बोला, ये मैंने आपको बताया। तो जो आपका गैस्ट्रुलेशन होगा बस वो वहीं से शुरू हो रहा है जहाँ से आपका गैस्ट्रुले जो आपका ग्रे क्रिसेंट एरिया बना है। सो आप पहले स्टेप में लिखोगे कि स्टेप्स इन गैस्ट्रुलेशन में लिखोगे बिगिंस ऑन फ्यूचर डोर्सल साइड ऑफ द ग्रे क्रिसेंट एरिया, तो लिखो बिगिंस ऑन फ्यूचर डोर्सल साइड, ठीक है? तो कहाँ पे बिगिन करेगा, फ्यूचर डोर्सल साइड, याद करो वो जो मैंने आपको 30 डिग्री का वो बनाया था ऐसे। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये ग्रीक रिसेंट एरिया है, तो ये जो आपका आगे वाला सरफेस है ये आपका वेंट्रल फॉर्मेशन हो रहा है जिस साइड स्पर्म की फर्टिलाइजेशन होती है, और अपोजिट साइड आपका डोर्सल सरफेस बनाएगा, तो यहीं से गैस्ट्रुलेशन शुरू हो रहा है। सो बिगिन्स ऑन फ्यूचर डोर्सल साइड, और कहाँ से शुरू हो रहा है, फ्रॉम ग्रीक ग्रे क्रिसेंट एरिया, फ्रॉम ग्रे क्रिसेंट एरिया, ठीक है? कहीं आपको मिलेगा नहीं जो जो मैं चीज़ आपको बता रहा हूँ, तो आप ध्यान से यहीं पे सुनना है ना, कहीं और देखना भी मत और फिर कंफ्यूज हो जाओगे वरना, और कहीं है भी नहीं आपको इससे अच्छा मिलने वाला, तो इसलिए ध्यान से सुनो। तो कहाँ पे शुरू हो रहा है आपका, ग्रे क्रिसेंट एरिया में शुरू हो रहा है, ठीक है? और ये आपका ग्रे क्रिसेंट एरिया को मैं क्या बोल रहा हूँ, फ्यूचर डोर्सल साइड, क्योंकि इधर से डोर्सल बनेगी और इधर से वेंट्रल बनेगी। चलो भाई ये हो गया। उसके बाद ये जो ग्रे क्रिसेंट एरिया है यहाँ पर आपकी सेल्स का फॉर्मेशन, यहाँ पर आपका हल्का सा ब्लास्टोपोर बनेगा, ठीक है? अभी इसको छोड़ो, यहाँ पे ना हल्का सा आपका ब्लास्टोपोर बनेगा, तो वो इनफोल्डिंग होगी छोटी सी, तो इनफोल्डिंग होगी जो आपका वेजिटल रीजन है ना, ये आपका वेजिटल रीजन था, यहाँ से आपका वेजिटल रीजन है, तो इसमें हल्की सी इनफोल्डिंग होगी, और इनफोल्डिंग होने के बाद ये जो रीजन है जहाँ पे हल्की सी इनफोल्डिंग होगी उसको हम बोलेंगे मार्जिनल जोन, जो जस्ट आपका ग्रे क्रिसेंट एरिया के नीचे है, ठीक है? तो इसके बाद आपका क्या स्टेप है, इनफोल्डिंग, समझ में आ रहा है ना, इनफोल्डिंग ऑन द बॉर्डर लाइन ऑफ वेजिटल रीजन, दैट इज मार्जिनल जोन, मार्जिनल जोन मैंने उसको बोला। और ये कहाँ लाई कर रहा है, इट इज एग्जैक्टली बिलो द ग्रे क्रिसेंट एरिया, मतलब आपके बाद में ना भूल जाओ इसलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, एग्जैक्टली बिलो द ग्रे क्रिसेंट एरिया,
ठीक है, तो जस्ट ग्रे क्रिसेंट एरिया के जस्ट नीचे पड़ा हुआ है। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पे हल्की सी इनफोल्डिंग होके एक ब्लास्टोपोर बनने की कगार पे चल गया, अब उसमें क्या होगा, हल्का सा एक ग्रूव और बनेगा। ठीक है, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि इसमें नहीं बता, देखो ऐसे समझ लो कि ये वाला ये जो एरिया ना, मैं इसको नीचे दिखा रहा हूँ अब। ठीक है, तो मान लो ऐसे हल्का सा ऐसे हुआ। ठीक है, तो ये हल्का सा आपका इन्वोल्यूशन हुआ यहाँ पे, ये देख रहे हो थोड़ा सा ऐसे बेंड हो गया। सो दैट इज इनफोल्डिंग, अभी इनफोल्डिंग हुई, अभी इन्वोल्यूशन नहीं हुआ। तो इनफोल्डिंग होने की वजह से यहाँ पर ना हल्का से ग्रूव बन जाएगा, ऐसे ग्रूव, और वो ग्रूव जो है, वो जो ग्रूव बनेगा आपका, दैट ग्रूव फॉर्म्स दी बोटल सेल्स। ठीक है, तो उन वहाँ पर आपका बोटल सेल्स बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी, जैसे मैं इसको और ऐसे ही बताता हूँ, देखो ये आपका है, ये आपकी एक्टोडम है। ठीक है, ये बाहर सरफेस में आपकी, क्योंकि ये आपकी एक्टोडम बनेगी, है ना। उसके बाद यहाँ पे आपकी थोड़ी, मैंने रेड वाली जो है, ये मीजनकाइमल सेल्स हैं जो आपकी मीजोडम फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे। याद करो लूजली फॉर्म टिश्यूज मीजनकाइम, तो मीजनकाइम पड़ी हुई है, तो इनको यहाँ पे पड़ी रहने दो। इनके जस्ट नीचे यहीं पर आपका ये ग्रे क्रेसेंट एरिया, इसमें यहाँ पे जस्ट इनके नीचे होता है, और यहाँ पर आपका थोड़ा सा, मैं आपको ग्रे सेल दिखाता हूँ ऐसे कुछ, तो ऐसे ये समझ लो, दिस इज बोटल बोटल सेल्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जस्ट ग्रे क्रिसेंट एरिया है, इस ग्रे क्रिसेंट एरिया के जस्ट नीचे आपकी बोटल सेल्स मैंने आपको दिखाई हैं। ठीक है, और इनके जस्ट यहाँ पर आपकी ये मीजनकाइमल सेल्स पड़ी हुई हैं। तो ये वाला स्ट्रक्चर देखो आप, ये आपकी जो आउटर मोस्ट लेयर है, दैट इज एनिमल पोल, ये ऊपर वाला एनिमल पोल है, और नीचे वाला आपका वेजिटल पोल है। तो वेजिटल पोल में ये जो आप अरेंजमेंट देख रहे हो, ये सेल्स नहीं है, ये असल में योक है। क्या है ये? योक। ठीक है, तो योग में जो सेल्स हैं वो मैंने आपको यहाँ पे दिखाई हैं, और ये जो आपकी बाहर सरफेस पे आपको दिख रहा है, ये वेज एनिमल पोल पे, ये आपकी फ्यूचर एक्टोडम है। क्या? आपकी फ्यूचर एक्टोडम। तो ये आपकी योग सेल को हुई, और ये अभी इनको आप एक्टोडम नहीं बोलोगे, इनको फ्यूचर एक्टोडम, असल में इनका नाम माइक्रोमेयर है। क्या नाम है? माइक्रोमेयर। इनका नाम क्या है? माइक्रोमेयर है। और इनका जो योग सेल है, इनका नाम है मैक्रोमेयर। क्या नाम है? मैक्रोमेयर। इतना क्लियर है? तो अभी इस स्टेज पे हमारी मीजनकाइमल सेल्स पड़ी हुई हैं, एक मेरे पास माइक्रोमेयर है जो फ्यूचर एक्टोडम बनने वाली है, और मेरे पास मैक्रोमेयर है जो योक योक है, ये एंडोडम नहीं है, कभी एंडोडम सोच लो। और यहाँ पे मीजनकाइमल सेल्स पड़ी हुई हैं जो फ्यूचर मीजोडम है, अभी एंडोडम का कुछ भी नहीं दिखा आपको यहाँ पे। ठीक है, और ये जो बीच में कैविटी है, दैट इज ब्लास्टोसील। इतना क्लियर है? वेरी गुड, बस साथ में बने रहो, अभी देखो मजे से पूरा क्लियर भी हो जाएगा और मज़ा भी आ जाएगा आपको। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया, इस डायग्राम को थोड़ा नीचे रखते हैं, बाद दिखाना पड़ेगा ना। चलो, सो दैट इज इट। उसके बाद अब क्या होगा, अब ये जो बोटल सेल्स हैं आपकी, अब यहाँ पर क्या होगा, जो ग्रूव बना है ना, ये बोटल सेल्स की फॉर्म में जो जो ग्रूव बना है, इनकी इनफोल्डिंग, अब ये मैं लिख देता हूँ जो स्टेप मैंने आपको लिखा, तो इनफोल्डिंग इनफोल्डिंग फॉर्म अ नैरो ग्रूव। ठीक है, इनकी इनफोल्डिंग की वजह से नैरो ग्रूव बन गया, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ बोटल सेल, बोटल सेल्स के फॉर्मेशन की वजह से। ठीक है भाई, इतना क्लियर हो गया। और ये नैरो ग्रूव जो है हमारा, ये जो ग्रूव बना हमारा, ये ब्लास्टोपोर ही है ना एक तरह से, ये जो ग्रूव है यही तो, थोड़ा सा यहाँ से जो हल्का सा और थोड़ा सा हो गया, तो ये ब्लास्टोपोर ही है हमारा। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आपका स्टेप आएगा, इतना क्लियर हो गया ना, इतने के बाद स्टेप आता है इन्वोल्यूशन का। किसका आता? इन्वोल्यूशन। अब याद करो इन्वोल्यूशन, इन्वोल्यूशन में आप बोलोगे कि सर आपने हमें बताया था कि ये जो सेल्स होती हैं, ठीक है, ये जो सेल्स होती हैं, ये यहाँ पे आके और फिर यहाँ से इनकी वापस फोल्डिंग बैक होने लग जाती है ऐसे। ठीक है, यहाँ पे आके यहाँ पे इनकी फोल्डिंग बैक होने लग जाती है, इन्वोल्यूशन वाला वो ध्यान करो। तो वो मैंने आपको बोला था ऐसे, और ऐसे सेल का मूवमेंट होना शुरू हो जाएगा। तो अभी तक ये आपका छोटा सा पोर था यहाँ पे, ग्रूव जो था, तो ये जो है सेल्स ऐसे ऐसे बननी शुरू हो जाएंगी। तो ये जो सेल्स मूव कर रही हैं, कौन सी सेल्स हैं आपकी, आप बताओ कौन सी सेल्स हैं? तो ये आपकी मीजोडर्म जो है ना यहाँ पे, ये जो पड़ी हुई है, तो ये इस साइड से मूव करने लग जाएगी, समझ रहे हो? या आप ऐसे ऐसे सोचो, इसको काट के अगर मैं बीच में से दिखाऊं, तो एक एंड आपका ऐसे मिलेगा, एक एंड ऐसे मिलेगा, तो इधर की साइड से भी मूव करेंगे और इधर की साइड से भी मूव करेंगे, बट ये पूरे में मूव नहीं करेंगे अभी, बस ये ऐसे थोड़ी थोड़ी मूव करेंगे। ठीक है, तो इतना समझ में आया? वेरी गुड। तो अब देखो, ये तो मैंने यहाँ समझाने को बोला, बट यहाँ पे देखो ऐसे सेल जो है धीरे धीरे वो बननी शुरू हो जाएंगे आपकी दोनों साइड से, तो मीजोडम ऐसे भी जाएंगे, मीजोडम ऐसे भी जाएंगे। सो दैट इज इन्वोल्यूशन। अभी इन्वोल्यूशन और डिटेल में फेयर डायग्राम में दिखाऊंगा मैं, बट अभी इतना समझो कि इन्वोल्यूशन हो गया, समझ गया, मतलब मीजोडम बनना शुरू हो गई है। अब उसके बाद आपका होगा यहाँ पे इनवेजाइनेशन। क्या होगा? इनवेजाइनेशन।
अब बताओ, जब किसी चीज़ का इमेजिनेशन होगा, तो देखो जैसे यही यही पकड़ लो आप, तो ये थोड़ा ऊपर चला गया, यहीं पे समझो, ठीक है। तो ये जो बोर्डल सेल्स थी आपकी, अब ये क्या करेंगी, ये आपका इमेजिनेशन में हेल्प करेंगी। तो आपका इमेजिनेशन हो गया, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, दिस इज इमेजिनेशन। तो इमेजिनेशन हो गया आपका, तो यहाँ पर जो सेल्स बनेंगे आपकी, ये इनका जो इन्वेजाइनेशन हुआ, इन्वेजाइनेशन याद कर लो जो हमने इन्वेजाइनेशन में पढ़ा है। तो ये हो गई आपकी इन्वेजाइनेशन सेल्स। तो जब इन्वेजाइनेशन सेल बनती है, तो वो क्या बन जाती है आपकी, वो जानती है आपकी एंडोडम। तो ये आपका एंडोडम बन गया, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि पहले मीजोडम बन गया फिर एंडोडम बन रहा है, साथ साथ चल रहा है सब कुछ, एंडोडम भी बन रहा है, मीजोडम भी बन रहा है। तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि कैसे कैसे चीज़ें हो रही हैं, ठीक है भाई। और ये आपकी वही है, क्या है ये आपकी एक्टोडम है, बाहर वाली लेयर, ठीक है। और यहाँ से आपकी मीजोडम चली रही है ना, यहाँ से आपकी मीजोडम, ये मीजोडम है, ठीक है। तो ऐसे मीजोडम जो है, जब ये बन जाएगी, तो जो हमारी आप देखो ये वाली डायग्राम देख रहे हो, यहाँ वाली, तो ये जो ब्लास्टोसील था हमारा, अब इसका क्या होगा, तो जैसे ही एरकेंट्रोन ने स्पेस लिया, तो ये जो ब्लास्टोसील कैविटी थी आपकी, ये वाली जो ब्लास्टोसील कैविटी थी, ये छोटी हो गई, रिड्यूस हो गई, और रिड्यूस होकर आपकी वो यहाँ पे आ गई। मैं इसको किस कलर से दिखाऊँ, ऐसे समझ लो कि जो ये थी आपकी वो ऐसे हो गई, क्योंकि सारा स्पेस इसने वो कवर कर दिया। तो जो आपकी कैविटी थी, जो ब्लास्टोसील थी आपकी, ये तो ब्लास्टोसील ऐसे रिड्यूस होकर छोटी हो गई, ठीक है। और बाकी मीजोडम तो आपका चल ही रहा है, इधर से भी मीजोडम आपका चल ही रहा है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब इस स्टेज में आपको समझ में आ गया क्या हुआ, इन्वेजिनेशन होने के बाद क्या हुआ, वेरी गुड, इतना समझ में आ गया। अब थोड़ा सा क्या होगा अगले स्टेप में, इन्वेजिनेशन में आपको दिखाता हूँ कि और फिर क्या हुआ होगा इसमें। तो हुआ क्या कि जब ये ऐसे हो गया, तो ये जो मीजोडम आपकी चल रही थी, ये फर्दर पूरे में मीजोडम आएंगी, तो ये इस जो ब्लास्टोसील है, इसको मूव करके फ्रंट में ले आएंगी। तो देखो कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ दिखेगा नहीं, थोड़ा ऊपर करता हूँ, 1 सेकेंड रुको। तो ये कुछ ऐसे होगा, ये हुआ आपका, इसमें सेल दे देना, फेयर बनाना तुम लोग, मैंने ये वाली फेयर बना दी है मेरे हिसाब से। और ये आपकी बन गई बाहर वाली, ये आपकी बन गई एंडो, ठीक है, ये एंडो बन गई। इन्हीं फेयर डायग्राम्स का ही सारा खेल है, तो साफ साफ बनाना। और यहाँ पे जो मीजो आपकी थी, ये देखो ये जो मीजो थी, ये आपकी और डेवलप होने लग गई, ठीक है। तो ऐसे और मीजोडम बनी, ठीक है, यहाँ पे भी मीजो, ऐसे ऐसे बना लो आप अपना आराम से, ठीक है। तो इन्होंने क्या हुआ, जब ये ऐसे फॉर्मेशन हो गई, तो इनकी जो ये जो ब्लास्टोसील आपका बचा हुआ था, ये आपका यहाँ बिल्कुल इंटीरियर में आ जाता है, ये आपका यहाँ पे ऐसे आ जाता है, ये ठीक है। अच्छा, ये जो आर्केंट्रोन बना है, ये क्या बनाएगा आपका, ये फिर क्लोज होकर आपका गट बनाएगा, ठीक है। आर्केंट्रोन जो है वो प्रिमिटिव गट होता है, जो फ्यूचर में बाद में आपका जाके गट बन जाता है, ठीक है। और फिर इसी के बाद आपका यहाँ पे 3 लेयर का डेवलपमेंट होता है, जो मैंने आपको ह्यूमन एम्ब्रियो में भी बताया था, जब हमने वहाँ पे पढ़ा था, ठीक है। तो ये इस तरह का कुछ बनेगा। तो मैं यहाँ पे इसकी अगर लेबलिंग करूँ, तो लेबलिंग में आप क्या बोलोगे, ये जो बाहर वाली है, ये आपकी एक्टो बन जाएगी, ठीक है, ये भी डेवलपमेंट हो रहा है। अभी इन्वेजिनेशन के बाद ना एपी बोली होगा, एपी बोली, एपिबोली का मतलब क्या होता है, एपिबोली मतलब पूरी आउटर सरफेस पे। तो ये सब साथ में ही हो रहा है, समझ रहे हो, सब साथ में ही हो रहा है। तो ये पूरी की पूरी बॉडी सरफेस पे आपकी एक्टोडम फैल गई, ठीक है, ये पूरी बॉडी सरफेस पे आपकी एक्टोडम आ गई, तो बाहर वाली हो गई एक्टोडम। ये अंदर आपकी मीजोडम घूमने लगी, तो ये आपकी हो गई मीजोडम, ठीक है भाई। ये आपकी जो इस वाले पे आर्केंट्रोन के अराउंड बनी, ये आपकी हो गई एंडोडम। तो तीनों लेयर आपकी यहाँ पे दिख गई। उसके बाद जो आपका ये जो स्पेस है, दैट इज आर्केंट्रोन, आर्केंटेरोन, ये आपका, इससे आपका गट बनेगा, फ्यूचर गट, ठीक है, मतलब प्रिमिटिव गट इसको बोलेंगे। एंड दिस इज आपकी रिड्यूस्ड रिड्यूस्ड ब्लास्टोसील, ठीक है, बहुत छोटी सी ब्लास्टोसील जो आपकी बची है। अब ये जो आपके यहाँ से, जो ये जो मूवमेंट आपका यहाँ से हुआ ना, इस वाले को, इसको हम बोलते हैं डोर्सल लिप। क्या बोलते हैं, डोर्सल, इसको यहीं पे लिखना, मैं यहाँ लिख देता हूँ, डोर्सल लिप, ठीक है, जो हमने शुरू में लिखा था फ्यूचर डोर्सल साइड, तो इसको डोर्सल साइड वाले को डोर्सल लिप बोले। और ये जो कैविटी के जस्ट थोड़ा सा यहाँ पे है, इसको हम बोलते हैं वेंट्रल लिप। क्या बोलते हैं, वेंट्रल लिप। तो इस तरह का कुछ फॉर्मेशन होगा आपका आफ्टर द इन्वेजिनेशन। और फिर एपिबोली में बॉली है, ये मैं थोड़ा ऊपर करके दिखाता हूँ,
ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे एपिबोली होगा और फिर पूरे में आपका बन जाएगा, समझ गए। तो ये जो मैंने 3 स्टेप आपको यहाँ पे लिख दिए और इनके बारे में कुछ भी नहीं लिखा, तो अब इनके बारे में पहले यहाँ पे दो दो इसके जो इन्वोल्यूशन आप लिखेंगे इसमें आपको एक्सप्लेन करना है कि इन्वोल्यूशन में यहाँ पे हो क्या रहा है। वो तो मैंने आपको जनरल इन्वोल्यूशन बताया था कि इन्वोल्यूशन व्हाट इज इन्वोल्यूशन, अब यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पर इन्वोल्यूशन में हो क्या रहा है। तो आप यहाँ पे लिखो जो हमने पढ़ा है कि मेसेनकाइमल सेल जो है वो जितनी भी पोस्टीरियर साइड है उसकी ग्रे क्रिसेंट एरिया की वो रोल बैक करके डोर्सल रिब के अराउंड रोल बैक करेगी और पूरी ब्लास्टोसील में धीरे धीरे फैलने लग जाएगी, समझ गए। और जो ब्लास्टोपोर के जो यहाँ पर जो रिम पर जो सेल्स हैं वो आपकी क्या करेंगी शेप में, यहाँ पे इनकी शेप में थोड़ा सा चेंज आएगा और जो स्लिट है वो और थोड़ा सा डीप होगा और ये फिर आपका आर्केंट्रोन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है भाई। तो ये आपका इन्वोल्यूशन में लिखना है, तो यहाँ पे इन्वोल्यूशन है यहीं पे लिखना, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इन्वोल्यूशन में। एक्सप्लेन भी तो करोगे ना कि क्या हो रहा है, डायग्राम वैसे एक्सप्लेन करने के लिए बढ़िया है, बट अगर आपको लग रहा है कि डायग्राम के साथ साथ मुझे लिखना भी है तो मैं उन लोगों के लिए लिखवा रहा हूँ, आपको नहीं लिखना तो आपकी चॉइस है। तो इन्वोल्यूशन में लिखिए द मेसेनकाइम सेल्स, द मेसेनकाइम सेल्स जो इन्वोल्यूशन होता है वही, तो मेसेनकाइम सेल्स प्रेजेंट अलोंग द पोस्टीरियर मार्जिन, पोस्टीरियर मार्जिन ऑफ ग्रे क्रिसेंट एरिया, ठीक है। तो जो उसके पोस्टीरियर मार्जिन पे, तो वो आपकी यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा था ये, ठीक है। तो ये स्टार्ट रोलिंग इनवर्ड, ठीक है, अलोंग दी डोर्सल रिप। तो ये जो डोर्सल रिप मैंने आपको बताया ऊपर वाली सरफेस उसको डोर्सल रिप बोलते हैं। सो क्रिसेंट एरिया स्टार्ट स्टार्ट रोलिंग अलोंग दी डोर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर, ठीक है। तो जो ब्लास्टोपोर का डोर्सल लिप था उसके अलावा किसमें, इनटू द ब्लास्टोसील, ये ब्लास्टोसील खाली था ना, इनटू द ब्लास्टोसील। अगर ये सब समझ में आ गया होगा ना तो ये जो लिखी हुई लाइन है इनको मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है, ये जो मैंने आपको बताया वही लिखा है, ठीक है। तो ये हुआ आपका, फिर इसकी वजह से क्या होगा जो ब्लास्टोपोर जो है इसकी जो रिम है मतलब जो ब्लास्टोपोर जहाँ पर है वहाँ पर क्या होगा और थोड़ा सा डीप होगा, जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा था कि और डीपन होगा, और जैसे इनफोल्डिंग ऑफ द ग्रूव नैरो ग्रूव ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ बोटल नेक। तो ये आपका जो हो रहा था ना मतलब ये आपका बेसिकली इन्वोल्यूशन में हो रहा है ये, ठीक है। तो द मेसेनकाइम सेल प्रेजेंट अलोंग द ब्लास्टोपोर इनटू द ब्लास्टोसील, ठीक है। नाउ सेल्स सेल्स एट द रिम ऑफ ब्लास्टोपोर दे अंडरगोज चेंज इन शेप, ठीक है। और वो चेंज इन शेप वाली का क्या नाम दिया हमने, बोटल सेल, ठीक है। तो वो शेप में चेंज हुआ और उसकी वजह से क्या होगा, दैट कॉजेज देम टू मेक अ सिल्ट, ठीक है। जो ग्रूव हमने यहाँ पे लिखा तो उसकी वजह से आपका, तो अंडरगोज चेंज इन द शेप विच कॉजेज कॉजेज देम टू सिंक इन टू द स्लिट, ठीक है। जो स्लिट हमने बनाया उसमें फिर वो स्लिट और डीपन होगी, ये जो स्लिट आपकी यहाँ पे बन गई थी हल्की सी जो ग्रूव बना था वो स्लिट और डीप होगा और वो स्लिट डीप होकर आपका आर्केंट्रोन बन जाएगा। तो बस ये लिखना है यहाँ पे, लिख लो कि स्लिट डीपन्स, दिख रहा है ना, एक सेकेंड, स्लिट डीपन्स एंड फ्रॉम द आर्केंट्रोन, फ्रॉम एन आर्केंट्रोन लिख लो, आर्केंटेरोन, ठीक है भाई। तो ये आपका बता दिया मैंने आपको, आप चाहो तो ये स्टेप ना भी लिखो, बोटल सेल वाला वो आप यहीं पे लिख लो, अंडरगो शेप एंड बिकम्स बोटल नेक, यहाँ भी लिख लो कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकम्स बोटल नेक सेल्स, ठीक है, ब्रैकेट में लिख लो यहाँ पे, तो ये बोटल नेक सेल बन जाती है। ओके, अब क्या होगा आपका, अब क्या होगा इसके बाद, क्या होगा इसके बाद, आप मतलब आर्गेंट्रॉन जो है ये आपका क्या होगा, आर्गेंट्रॉन लाइन बाय द एंडोडर्म, तो एक लाइन और लिख लो, आर्गेंट्रॉन लाइन बाय द एंडोडर्म एंड बिटवीन एक्टो एंड एंडोडर्म, बिटवीन एक्टो एंड एंडो मीजो स्प्रेड बाय इन्वोल्यूशन, तो मीजो जो है वो आपकी इन्वोल्यूशन के थ्रू स्प्रेड कर जाएगी। तो ये दो पॉइंट और लिख लो यहाँ पे और फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये रहे वो दो पॉइंट जो पीछे छूट गए थे, ठीक है। आर्केंट्रोन लाइन बाय द एंडोडर्म एंड बिटवीन एक्टो एंड मीजो, एक्टो एंड एंडो मीजो स्प्रेड बाय इन्वोल्यूशन, ठीक है भाई। मैंने आपको बताया था कि मीजो जो है वो मूव कर रही है, देखो ये जो मैं आपको बोल रहा था यहाँ पे कि मीजो जो है वो शुरू में एकदम से सारे में नहीं फैलेंगी, थोड़ा सा यहीं पे रुक जाएंगे, फिर उसके बाद आपका जब आर्केंट्रोन बन जाएगा फिर ये उसके बाद पूरे में फैलेंगे, तो वही पॉइंट हमने लिखा, ठीक है भाई। सो दैट इज द
दैट इज़ द क्या बोलते हैं इन्वोल्यूशन। अब इन्वोल्यूशन के बाद मैंने आपको लिखवाया था एपिबोली होगा, एपिबोली इन्वोल्यूशन के नीचे एपिबोली, ये सॉरी इन्वोल्यूशन के लिए हमने सॉरी इन्वेजिनेशन लिखा, पहले इन्वेजिनेशन के लिए एक लाइन लिख लो, यहीं पे लिख लो आप, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इन्वेजिनेशन। ठीक है, तो इन्वेजिनेशन में क्या हो रहा है, जो आपकी एक सेकेंड रुको, तो इन्वेजिनेशन में लिख लो कि जो हमारी इन्वेजिनेशन में आर्गेंड्रोन बन रहा है ना, तो आर्गेंड्रोन बन रहा है तो जो प्रिज्मटिव एंडोडर्म की जो सेल्स हैं उन्हीं की वजह से वेजिटल रीजन से स्ट्रीम अंदर की साइड घुस रही है, और अंदर की साइड घुसने की वजह से आपका आर्गेंड्रोन बन रहा है। तो ये लिख लो आपका कि द सेल्स ऑफ प्रिज्मटिव एंडोडर्म ऑफ द वेजिटल रीजन स्ट्रीम इनवर्ड्स। ठीक है भाई, ये जो स्ट्रक्चर आपका बना अंदर है ऐसे, यहाँ से स्ट्रीम इनवर्ड्स लीड्स टू इंक्रीज इन आर्केंट्रोन। ठीक है, आर्केंट्रोन बना दिया इन्होंने, और ये आपका इन्वेजिनेशन हो गया। देन आपका उसके बाद था एपिबोली, एपिबोली तो एपिबोली में लिखो, तो मैंने आपको बताया था एपिबोली में ये जो आपकी माइक्रोमेयर्स थी, ये माइक्रोमेयर जो थी ये आपकी अपर हाफ में जो थी, ये पूरी उस पर पूरी ऐसे एपिबोली याद करो कि जो पूरी सरफेस पे ऐसे फैल जाती हैं सेल बाहर की साइड में, है ना, तो पूरी पे ऐसे फैल जाएंगी, तो दैट इज एपिबोली। लिखो यही चीज़ कि एक्टिव माइक्रोमेयर्स ऑफ द एनिमल हाफ, ठीक है, दैट रिप्रेजेंट्स फ्यूचर एक्टोडम डिवाइड्स रैपिडली एंड ग्रेजुअली। ठीक है, डिवाइड्स रैपिडली एंड ग्रेजुअली स्प्रेड ओवर द मैक्रोमेयर्स, जो आपकी मैक्रोमेयर्स थी वो पूरे पे स्प्रेड हो जाएगी, ऑफ कहाँ के मैक्रोमेयर्स, वेजिटल हेमिस्फेयर। ठीक है, तो ये आपका ये जो मैक्रोमेयर्स, देखो कुछ लोग बोलते हैं जो मैक्रोमेयर है ये आपकी जो एंडो एंडोडम बनेगी ना उसी इसी से बनेंगी, बट मैंने कई जगह देखा कि कुछ अलग लिखा, मतलब जो एम्फीबियन की है ना थोड़ी सी कन्फ्यूजिंग भी है, तो आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बस बता रहा हूँ, कभी आप कहीं पढ़ो तो उनको ये भी बोल रहा था तो वो भी ठीक है, क्योंकि एग्जैक्टली कुछ पता नहीं है, क्योंकि हम एक मॉडल है उसी मॉडल के बेस पर हम इसको स्टडी करते हैं। ठीक है, तो बस जितना मैंने तुम्हें बताया उस हिसाब से आप समझ लो। सो वेजिटल हेमिस्फेयर, ओके, तो ये हो गया। अब फिर ये क्या करेगा आपका, जब ये रैपिडली डिवाइड करेंगी तो इसकी वजह से दे पुशेज दी ब्लास्टोपोर टुवर्ड्स दी वेजिटल पोल एंड पुशेज द ब्लास्टोपोर है, हाँ यहाँ पे डेवलपमेंट होगा, ब्लास्टोपोर को नीचे पुश करेंगे। ठीक है, तो ये डेवलपमेंट होने के बाद ब्लास्टोपोर को नीचे की तरफ पुश करेंगे, तो ब्लास्टोपोर थोड़ा सा नीचे की तरफ आ जाएगा, एंड पुशेज द ब्लास्टोपोर टुवर्ड्स द वेजिटल पोल। ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं कि एपिबोली पहले होगा देन इन्वेजिनेशन होगा, कुछ लोग कुछ बोलते हैं कुछ लोग कुछ बोलते हैं, तो मैं ज़्यादा इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं जो प्रोसीजर मैंने बताया बस वो बेस्ट है, वो अच्छे से कर लो, उसमें सब कुछ आपका कवर हो गया। ठीक है, तो दैट इज द स्टेप। अब उसके बाद एक लाइन लिख लो यहाँ पे, ये लिख लो कि जो ये अर्ली मतलब अर्ली वाले में तो क्या था, जब अगर अर्ली गैस्ट्रुलेशन की मैं बात करूँ तो जो मिजोरम थी थोड़ी सी बनती है, फिर थोड़ा सा मिडिल तक आती है तो यहाँ तक आती है, ब्लास्टोसील यहाँ पे रहती है, और लेट में आते आते आपका कंप्लीट हो जाती है, तो ये कंप्लीट हो जाती है तो यहाँ पे ना क्लोज हो जाता है, एक पोर की तरह बस एक स्ट्रक्चर रहता है, बॉल बन जाती है पूरी, और यहाँ पे ऐसा लगता है बस हल्का सा पोर है, बाकी पूरा डेवलपमेंट अंदर चलता रहता है इसके। ठीक है, तो ये लाइन लिख लो कि ड्यूरिंग लेट गैस्ट्रुलेशन फॉर्मेशन ऑफ, क्योंकि पहले डोर्सल लिप बना, और जब गैस्ट्रुलेशन एंड की तरफ आ रहा होता है तो वेंट्रल लिप भी बनता है ताकि इसको क्लोज करे, और बस एक छोटा सा पोर दिखता है। सो ड्यूरिंग द लेट गैस्ट्रुलेशन फॉर्मेशन ऑफ लेटरल एंड वेंट्रल लिप इन वेजिटल पोल एंड ब्लास्टोपोर। ठीक है,
वेजिटल पोल ड्यूरिंग द लेट गैस्ट्रुलेशन फॉर्मेशन ऑफ लेटरल एंड वेंट्रल लिप इन द वेजिटल पोल. ओके, और ये जो यहाँ पे जो आपका ब्लास्टोपोर बचा वो आपका क्या है, एक छोटा सा सर्कल बन जाता है. ब्लास्टोपोर, ब्लास्टोपोर एज्यूम्स अ सर्क्युलर अपियरेंस. ठीक है, बस एट द एंड, एट द एंड इट अपियर्स, इट अपियर्स, इट अपियर्स, ये बस इतना ही लिख लो कि ब्लास्टोपोर अज्यूम्स अ सर्कुलर अपियरेंस. तो ऐसा कुछ दिखता है ये, यहाँ पे थोड़ा सा एक ब्लास्ट. बस अब ये बॉल बन गई है. अब इसको काट को देख, काट के देखोगे तो अंदर तीन लेयर बना चुके हैं हम लोग, उन्हीं तीन लेयर का जो है वो आगे फेट. तो ये हम, मैं आपको बता देता हूँ फेट ऑफ प्राइमरी जेम लेयर क्या होगा, वो भी आप इसी में लिख लो. तो प्राइमरी जम लेयर, फेट ऑफ प्राइमरी जम लेयर. ठीक है, तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर बना उसमें आपका ये पूरी एंडोडम है आपकी, है ना, ये आपकी एंडोडम बन गई. फिर यहाँ से आपकी मीजोडम है ना, यहाँ पे आपका आर्केंट्रॉन भी है. ये पूरा जो स्ट्रक्चर है तो यहीं पे ऐसे डेवलप हो जाएगा, ये मीजोडम बन गई, मीजोडम एरिया ले लेगी. तो मैं आपको बता रहा हूँ कि एंडोडम जो है, स्पेंडोडम थी आपकी, तो एंडोडम क्या बनाएगी, एंडोडम की वजह से आपका, हमने देख रखा है डाइजेस्टिव रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर जो होता है वो इसी से बनता है. तो डाइजेस्टिव रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर वो सब बनेगा. ठीक है, तो ये सब लिखने से पहले यहाँ पे एक लाइन लिख लो कि ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन, ड्यूरिंग एंड स्टेज ऑफ द गैस्ट्रुलेशन, एंड स्टेज ऑफ द गैस्ट्रुलेशन द मीजोडम एंडोडम एलिमेंट्स मूव टू देयर फाइनल पोजिशन. द मीजोडम एंड एंडोडम एलिमेंट्स, मतलब जितने भी ये हैं, मूव टू देयर फाइनल पोजीशन, फाइनल पोजीशन. और तो ये आपका जो एंडोडम होगी वो आपकी यहाँ पे है, तो ये आपका फ्लोर बनाएगी. और इस बीच में आपका जो एक्टोडम है उससे आपका न्यूरल कॉर्ड निकलेगी. न्यूरल कॉर्ड मतलब जो प्री कॉर्डल प्लेट है ना, जिससे आपका नर्वस सिस्टम बनेगा बाद में, इससे आपका बाद में नर्वस सिस्टम बनेगा. ये मैं भी आपको डिजिटल डायग्राम में भी दिखाता हूँ. तो उससे आपका नर्वस सिस्टम बनेगा. तो रूफ जो है, मतलब रूफ जो है वो कौन बनाएगी, वो प्री कॉर्डल प्लेट बनाएगी जिससे आपका नर्वस सिस्टम बनेगा. और फ्लोर जो है वो आपका कौन बनाएगा, एंडोडम बनाएगी. और इस बीच जितना भी मीजोडम है वो आपका है ही. तो द मीजोडम एंड एंडोडम एलिमेंट मूव टू देयर फाइनल पोजिशन एंड द एंडोडम, एंडोडम ऑक्यूपाई फ्लोर एंड साइड्स ऑफ द आर्केंटेरॉन्स. ठीक है, तो एक तो ये हो गया आपका. एंड और फिर उसके बाद रूफ इज फॉर्म्ड बाय द, रूफ इज फॉर्म्ड बाय द प्री कॉर्डल प्लेट. ठीक है, तो प्री कॉर्डल प्लेट जो है वो आपके बनाएंगे. तो मैं भी दिखाता हूँ, पहले देख लो एंडो, जो एंडोडम है वो आपका डाइजेस्टिव रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाएंगी. जो आपकी मीजोडम है, मीजोडम है, इससे आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, मसल्स और जितना भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो सब मीजोडम से बनेगा. तो सर्कुलेटरी, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम लिख लो, रिप्रोडक्टिव सिस्टम लिख लो, ठीक है, मसल्स लिख लो, वो सब आपका ये बनाएंगी मीजोडम. एंड देन आपकी जो एक्टोडम है बाहर वाली, वो क्या बनाएगी, बाहर वाली तो हमेशा स्किन बनाती है एक, तो है ना, और ये नर्वस सिस्टम भी यही बनाएगी, नर्वस सिस्टम, है ना, और जो सेंस ऑर्गन्स हैं वो भी यही बनाएगी, सेंस ऑर्गन्स. तो ये इनका फेट हो गया कि मतलब क्या होने वाला है, समझ गए. तो ये देखो यहाँ पे, ये आपका फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये क्लीवेज होना शुरू हुआ आपका, तो ये मोरूला स्टेज में पहुंचने वाला है, समझ लो. तो ये दिखाना चाह रहा था, समझ गए. उसके बाद और डायग्राम दिखाता हूँ इसके बाद, मतलब ब्लास्टुला कैसे बना. ब्लास्टुला देखो इसका, ये देखो ये ब्लास्टुला है इसका, ये मैंने आपको जो डायग्राम बनाई थी वैसी है. ये ब्लास्टोसील हो गया, ये वेजिटल पोल में आपका डेवलपमेंट हो रहा है, ये आपको ये मैक्रोमेयर है, ये माइक्रोमेयर है. ठीक है, ये मैंने आपको दिखा दिया. उसके बाद ये भी दिखाता हूँ आपको, जो हमने पूरा स्टेप पढ़ा ना पूरा डिटेल में, उसकी भी डायग्राम दिखाता हूँ. ये देखो, ये आपका सबसे पहले वाला स्ट्रक्चर है कि जब शुरू हो रहा था, ये आपकी बॉल जो होती ना, एक मिनट पहले ये वाली डायग्राम देखो आप, फिर ये देखना. देखो इसमें देख लो, ये आपका एनिमल पोल, ये एनिमल पोल, ये वेजिटल पोल. तो अगर मैं इसको बीच में से काट के दिखाऊँ आपको, तो देखो ये आपकी मैक्रोमेयर है, ये माइक्रोमेयर है. तो ऐसे मूव एरो देख रहे हो ये, तो यहाँ पर आपका ये डोर्सल लिप बना. यहाँ पे जो हमने बोला था कि पहले ग्रूव बनेगा, फिर
सेल्स बनेंगी, बोटल सेल जो थी आपकी वो सब बनेंगी, और फिर यहीं से आपका शुरू हो जाएगा धीरे धीरे। तो इसके बाद हमने क्या बोला था, इन्वोल्यूशन होगा। तो देखो आप ये रेड कलर से देख रहे हो, आप रेड कलर से आपकी कौन सी रेड कलर वाली सेल कौन सी है आपकी, ये आपकी मेसोडर्म है। तो इधर से देखो और इधर से आपका ये भी मूव करनी शुरू हो गई, समझ रहे हो। और फिर इसके बाद आपका, उसके बाद हमने पढ़ा था इन्वेजिनेशन। तो आप ये देखो ये आर्केंट्रोन बन गया, इन्वेजिनेशन हो गया, आर्केंट्रोन बन गया। और जो आपकी यहाँ पर कैविटी थी, ये ब्लास्टोसील देख रहे हो उसमें, ये ब्लास्टोसील धीरे धीरे यहाँ से डेवलपमेंट होने लगा, तो ये ब्लास्टोसील सिकुड़ के छोटी सी हो गई, यहाँ देखो श्रिंकिंग ब्लास्टोसील, ठीक है। तो आर्केंट्रोन, उसके बाद आपका एक्टोडर्म जो थी, अब वो पूरी पूरी बॉडी पे मतलब फैलने लगी। तो ये देखो पूरी बॉडी को कवर कर लिया एक्टोडर्म ने, और छोटा सा नीचे बची आपकी जो मैक्रोमेयर सेल्स है। तो इसी तरह इसमें देखो ये धीरे धीरे आर्केंट्रोन आपका बड़ा हो गया थोड़ा सा, और ये आपकी पूरे में आपकी ये आ गई रेड कलर की जो मेसोडर्म सेल्स है, और ब्लास्टोसील का अब सिर्फ रेमिनेंट बचा आपका, है ना। और ये रेमिनेंट पहुँचते आपके उस पर आ जाएगा पोर, पोर की साइड जो है ब्लास्टोपोर। और मैंने आपको बोला लास्ट में आपको सिर्फ एक पोर दिखेगा, उसको हम योक प्लग बोल रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह का इसमें दूसरी डायग्राम में देखो आप, समझ गए ना ये वाला। ये देखो इसमें देखो ये आपका ब्लास्टुला की जो लेट ब्लास्टुला स्टेज है वो हमने पकड़ी है, ब्लास्टोसील है, ऊपर से आपका माइक्रोमेयर है, नीचे आपका मैक्रोमेयर है, ठीक है। उसके बाद आपका इसमें डोर्सल लिप का ग्रूव बना, ग्रूव जो स्टेप मैंने आपको लिखा है उसी स्टेप के हिसाब से बताया उन्होंने भी, ठीक है। तो ग्रूव बना आपका, धीरे धीरे आपका जो ब्लास्टोसील है वो सिकुड़ने लगा, और यहाँ से ब्लास्टोपोर जैसे ही बढ़ने लगा आगे, तो ब्लास्टोसील आप देखो यहाँ पे पहुँच गया, हमने भी यहीं पे बनाया था, और ये पूरी कैविटी आपके आर्केंट्रोन ने ले ली, और यहाँ पे ये मीजोडम आ गया, ठीक है। फिर अगली स्टेज, ये आपका ये अर्ली गैस्ट्रोला था, ये मिडिल गैस्ट्रोला है, और ये आपका लेट गैस्ट्रोला में देखो क्या हो रहा है। तो लेट गैस्ट्रोला में पूरी की पूरी मीजोडम आ गई, और आर्केंट्रोन पूरा बड़ा हुआ हुआ दिख रहा है आपका। और मैंने आपको बोला लेट में यहाँ पे न्यूरल प्लेट का डेवलपमेंट होना शुरू हो जाएगा, ये न्यूरल प्लेट, ठीक है, और ये मीजोडम आपकी है ही। उसके बाद आप आगे और देखोगे तो न्यूरल फोल्ड बनने लगे, सो दैट इज द अर्ली डेवलपमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम। तो तीनों जो स्टेज थी वो क्लियर हो गए, नर्वस सिस्टम का डेवलपमेंट न्यूरल फोल्ड सेल जो थी उनके हिसाब से बनने लगा, समझ गए। तो एक ये हो गया, एक डायग्राम और दिखा देता हूँ, ये देखो इसमें भी वही हो रहा है ना। अरे मैं मतलब पूरा क्लियर बढ़िया से होना चाहिए। ये आपका है, और यहाँ पे देखो दोनों साइड आपकी मीजोडम सेल्स पड़ी हुई है, मीजेनकाइम जिसको हमने बोला था, ये ब्लास्टोसील हमारी शुरू में, और ये आपका एनिमल पोल वेजिटल पोल पड़ा ही है। यहाँ पे देखो इसने दिखाया बोटल सेल्स, ये मैं इसको रब करता हूँ पहले, एक सेकेंड रुको, ये देखो दिख रही है, ये यहाँ पे बोटल सेल्स यही आपके ग्रूव बना रही हैं डोर्सल लिप के पास, यही ग्रूव बनेंगी। देखो इस वाले डायग्राम में यहाँ पे ग्रूव बनेगा ब्लास्टोपोर का डोर्सल लिप, और ये तो आगे बढ़ जाएंगे आपके यहाँ से मीजेनकाइम आपकी बन के, इधर भी मीजेनकाइम बन गई, और ये ब्लास्टोसील इन्होंने प्रेस करके ये यहाँ पहुँचा दी, हमने भी बनाई थी ये। उसके बाद आर्केंट्रोन बनने लगा, समझ लो, मतलब इसके बाद तो ये आएगा, मैं डायरेक्ट आपको ये बता रहा था, ठीक है। जैसे यहाँ पे भी देख लो कि धीरे धीरे ग्रूव बनना शुरू हुआ, स्लिट 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 बना, और ग्रुप बनते बनते धीरे धीरे मीजोमेयर जो थी वो डेवलप होने लगी, ये इधर की साइड चल रही है, इधर की साइड चल रही है, और ये आर्केंट्रोन हो गया, ये ब्लास्टोसील अभी तो आर्केंट्रोन अब आएगा, ठीक है। अभी आर्केंट्रोन आ गया इसमें, और ये पूरी की पूरी आपकी मीजो डम सेल्स बन गई, ठीक है। तो मीजो डम सेल्स पूरे में बन गई ना, तो अब बस फिर आपका ये वेंट्रल लिप बन गया यहाँ पे, वेंट्रल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर। और ये जो आपका छोटा सा पोर मैं आपको बोल रहा था, सिर्फ पूरे सर्कल बनेगा उसमें एक छोटा सा पोर दिखेगा, सो दैट इज योक प्लग, और ये डोर्सल सरफेस, ये वेंट्रल सरफेस, समझ गए। तो ये बताना चाह रहा था, तो ये मैंने पूरा आपको बता दिया, जितनी भी डायग्राम आपको दिखानी थी सारे प्रोसेस के मैंने दिखा दी, समझ गए। चलो, सो दैट वॉज ऑल अबाउट दी गैस्ट्रुलेशन इन एम्फीबियंस, ठीक है। तो एम्फीबियंस में गैस्ट्रुलेशन कैसे होता है ये हमने देख लिया, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, पूरा अच्छे से बढ़िया से ध्यान से वीडियो को देखो, दोबारा देखो, अगर कोई डाउट फिर भी रहता तो मुझसे पूछो, ठीक है। मैंने पूरी कोशिश करी है कि पूरा सिंप्लीफाई करके आपको बताऊँ, समझ गए। अब मैं इसके बाद आपका फर्दर जो लेक्चर्स आएंगे वो आपके कनेक्टेड ही रहेंगे, तो इसको अच्छे से समझ के एकदम दिमाग में बिठा लो, ठीक है। चलिए, तो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा। इस मेहनत करने का मोटिव ही ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं उन तक ये चीज़ें पहुँचें, ठीक है। चलिए, थैंक यू, बाय।